हेलो एवरीवन दिस इज साक्षी विश्नोई वेलकम टू मैग्नेट नेट सो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में हमारा जो एग्जाम है सी यू टी इसका जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स इसका मॉक टेस्ट पेपर टेन सॉल्व करने वाला है इट क्लियरली मीन्स कि हम लोग नाइन मॉक टेस्ट पेपर्स जो है वो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं एंड आई होप सो कि आप लोगों ने वो वीडियोज देख लिए हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर ली है क्योंकि ये जो हमारे मॉक टेस्ट है ये बेसिकली क्या कर रहे हैं ये हमें प्रिपेयर करवाने में हेल्प कर रहे हैं ये एक काइंड ऑफ प्रैक्टिस पेपर्स हैं जिनके थ्रू आपकी जो प्रिपरेशन है फॉर दिस एग्जाम वो और भी स्ट्रांग हो सकती है नाउ वी नो कि ये जो हमारा एग्जाम होने वाला है ये टोटली एमसी क्यू बेस्ड एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप ठीक है तो यहाँ पर जो ये मॉक टेस्ट है इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे एम सी क्यूज ही देखेंगे नाउ स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सारी चीजें हैं जो कंसेप्चुअल वीडियोज हैं जो वन शॉर्ट रिविजन हैं या फिर जैसे कि ये एम सी क्यू बेस्ड है तो अगर आप लोगों को चैप्टर वाइज बहुत सारे नंबर ऑफ एम सी क्यूज अगर सॉल्व करने हैं तो इन सबके वीडियोज ऑलरेडी बने हुए हैं आपको चैनल पर मिल जाएंगे अगर आपको यूट्यूब पर फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो तो आप वेबसाइट के थ्रू दैट इज डब्ल्यू कॉम पर जाकर भी इन वीडियोस को कर सकते हैं तो आप वन शॉट रिविजन का जो है यूज करें उनकी जो, है, से अपनी जो है वो अच्छे से कर लीजिए मैंने बहुत सारे नंबर ऑफ जो है एमसीूज आप लोगों को सॉल्व करवाए हैं बहुत सारे में हंड्रेड प्लस एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाए हैं तो उन पर्टिकुलर वीडियोज़ को जाकर देखिए एंड अपने जो एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व कीजिए ना ये सब तो बात क्या हो गई कि ये हो गया चैप्टर वाइज या हम बोलें कि टॉपिक वाइज सारा जो डिस्क्रिप्शन था अब ये भी होगा आप लोगों की डिमांड ये भी होगी ना कि मैम ऐसा कोई वीडियो दो जिसमें कि सारे जो चैप्टर्स हैं वो एक साथ में आ जाए तो बस ये मॉक टेस्ट पेपर्स वहीं तो हैं हम नाइन मॉक टेस्ट पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिएगा चैनल पर वो अवेलेबल हैं आप लोगों को बहुत ईजीली मिल जाएंगे और ये जो टेंथ वाला है वो हम सॉल्व कर ही रहे हैं तो बेसिकली हम लोग जो है पूरा एग्जाम पैटर्न में जैसा कि आपका एग्जाम का पैटर्न होगा उस वे में ही हम यहाँ पर जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जैसे कि एग्जाम में 50 एमसीक्यूज आपके पास में आएंगे 50 एमसीक्यूज हमारे पास में इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में है सारे चैप्टर्स जो पूरा सिलेबस है उसमें से हर एक चैप्टर में से जो है मैंने यहाँ पर एम को क्या किया है कंबाइन कम्बाइन कैन वो आप लोगों के सामने मॉक टेस्ट पेपर के जो है फॉर्म में आ गया है ठीक है तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपका स्टार्ट करते हैं ठीक है अब देखो जब भी आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो आप लोगों के पास में सबसे पहले क्या आते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन आते हैं और जनरल इंस्ट्रक्शन को मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स जो है वो स्किप कर देते हैं कैसे स्किप करते हैं कि यार ये तो वही है जो पिछले वाले पेपर में था इसमें क्या अलग हो गया क्या ही पढ़ना सब वो तो पता है हमें लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है ठीक है मैं हर वीडियो में आपको बोलते हुए बोलती हुई आई हूं और अभी भी बोलूंगी कि जनरल इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने हैं बहुत ही कंपलसरी है इन्हें रीड तो और यहाँ पर जो है ऐसा थोड़ी ना कि हमें लर्न करने बैठना है कि हम तो बिल्कुल जो है यहां पर दस मिनट लगाने वाले आपको सिर्फ एक बार रीड करना है और ये देख लेना है कि हाँ भाई क्या क्या चीजें लिखी हुई है ठीक है तो एक बार हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शन देखते हैं जो कि आप लोगों को भी याद रखिएगा जब भी आप एग्जाम देने जाओ कि हाँ मैम ने बोला है तो हमें जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ने ही पढ़ने हैं ठीक है न ये जो आपका एग्जाम होने वाला है ये कितने मार्क्स का होगा टू मार्क्स टू मार्क्स फॉर ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ठीक है जैसे कि अगर आप इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर दे रहे हो तो इंडिविजुअली ये जो एग्जाम है ये टू मार्क्स का होगा और ईच सब्जेक्ट के लिए जो है आपको कितने टाइम पीरियड मिलेगा 45 मिनट्स मिलेंगे सॉल्व करने के लिए ठीक है

करेक्ट आंसर और दी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी गिवन फाइव मार्क्स ओके करेक्ट आंसर पर कितने फाइव मार्क्स है एंड नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें कितनी माइनस वन की ठीक है नेगेटिव मार्किंग माइनस वन है ये जो प्रपोशन है काफी कम है प्लस फाइव माइनस वन तो जो है नेगेटिव्स जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे लेकिन स्टिल ये ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिस जो आपको बिल्कुल नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो क्योंकि आपके पास में इन टोटल 50 क्वेश्चंस गिवन है उसमें से आपको 40 ही सॉल्व करने हैं दस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो तो जिसमें आपको बिल्कुल भी नहीं आता कि पता ही नहीं यार इसका ए बी सी डी कुछ नहीं पता हमें उस क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है क्योंकि आपके पास में क्या है आपको दस क्वेश्चन छोड़ने ही छोड़ने अगर

व मार्क् एनी ऑफ दी करेक्ट ऑप्शन ऑल राइट अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें कि एक से ज्यादा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है

ऑप्शंस आर पॉजिटिव नॉर्मेटिव बोथ नन ऑफ़ नीस सबसे पहले तो पॉजिटिव होता, होता है देखो मैं थोड़ा सा में जो पूरा कंसेप्ट है वो भी रिवाइज हो जाएगा ठीक है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होते हैं वॉट इज राइट जब हम चीजों को जैसी है वैसे देखते हैं ठीक है वॉट इज एक्चुअल में क्या चीजें कैसी है इसे हम बोल देंगे जो फैक्ट्स हैं जो चीजें हमें एज इट इज दिख रही है वो आपके पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आता है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या आता है स्टूडेंट्स तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आता है व्हाट शुड बी ठीक है क्या होना चाहिए था यहाँ पर फैक्ट्स नहीं बोलेंगे हम यहाँ पर क्या बोला जाता है यह नॉर्मेटिव जो इकोनॉमिक्स है वो क्या करता है वो वो सजेस्ट करता है वो देता है देता अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट में दिख रहा है कि ये सजेस्ट कर रही है सो दैट मीन्स वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है और अगर कोई स्टेटमेंट है वो आपको प्रॉपरली बता रही है कि भाई ये चीज ऐसी है सो दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ठीक है आ, आप लोगों के पास में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको कोई एक पर्टिकुलर दे दी जाए एक पर्टिकुलर जो है स्टेटमेंट दे दी जाए और बोला जाए कि इसमें से बताइए कि नॉर्मेटिव क्या है एंड पॉजिटिव क्या है या फिर ये जो स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है तो आप लोगों को पता होना चाहिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक जो है क्या ले लें एक जो है स्टेटमेंट ले, ले लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई इन इंडिया ठीक है क्या बोला जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हाई है इंडिया में वो ज्यादा है इंडिया में क्या बोला अब यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव होगी या नॉर्मेटिव होगी बहुत ही सिंपल है पॉजिटिव में हमने क्या बोला वॉट इज जो फैक्ट है उसको एज इट इज लिया और नॉर्मेटिव क्या बोल रहा है वॉट शुड बी जो सजेशन है क्या इस पर्टिकुलर इसमें कोई सजेशन दिए जा रहे हैं नहीं क्या बोला भाई अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हाई है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई हम बोल रहे हैं कि हाई है जो चीज हमने फैक्ट फैक्चुअल चीजों में जो देखी हमने जो भी डेटा देखा उससे बोल रहे हैं ठीक है कैसे भी बोल रहे हैं बट हम बोल रहे हैं या ये जो है ये प्रूवड है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट हाई है इंडिया में तो ये क्या होगा ये होगा आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स राइट कि जो चीज जैसी है वैसी बोली जा रही है अब यही अगर मैं इसे नॉर्मेटिव में कन्वर्ट करूं तो क्या बोलूंगी अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी रिड्यूस्ड इन इंडिया ठीक है अब यहां पर क्या हुआ यहां पर क्या बोल दिया एक सजेशन दे दिया हमने कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूज होना चाहिए इंडिया में क्या दिया हमने सजेशन दिया जब हम सजेशन देते हैं तो वो क्या बन जाता है वो बन जाता है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ठीक है आई गेस क्लियर हो गया नॉर्मेटिव और पॉजिटिव को आपको कैसे जो है डिस्टिंग्विश करना होता है अगर कोई स्टेटमेंट आपके सामने आ जाए तो आप कैसे बताओगे कि ये जो है आपकी नॉर्मेटिव है या ये आपकी पॉजिटिव जो है स्टेटमेंट है ठीक है या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है तो बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स को पढ़ना है अगर कोई स्टेटमेंट आपको सीधा सीधा बता रही है कि भाई ये चीज़ ऐसी है सो दैट मीन्स वो पॉजिटिव है आपको आगे कुछ नहीं सोचना है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो बात नहीं करनी हमें अगर कोई चीज ऐसी है तो दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और अगर ये बोला गया कि नहीं उसको ऐसा नहीं ऐसा होना था सो दैट मीन्स वॉट की आप सजेस्ट कर रहे हो ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था ठीक है अब जैसे कि सिंपल सी है कोई भी आप एक पर्टिकुलर देखते हो कि गवर्नमेंट ने को कोई स्कीम लॉन्च कर दी ठीक है अब स्कीम लॉन्च कर दी तो ये चीज हो गई कि गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड दिस एंड दिस स्कीम उसके अंदर ये 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 होगा चीज़ है, ठीक है ये क्या हो गया ये हो गया आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कि ये चीज जो है ये ऐसी है वैसी हमने बता दी अब वही जब जो है वेरियस वेरियस ग्रुप्स के जो क्या आते हैं सजेशन आते हैं नहीं ये ऐसा नहीं होना था इसमें ये गलती है इसे ऐसे चेंज करो ये करो वो करो दिस इज वॉट दीज आर सजेशन दीज आर की इसे जो है ऐसे करो ये ऐसा होना चाहिए था यह होती आपकी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ऑल राइट सो डे टू डे लाइफ में भी जो है उसे समझ लीजिए कि ऐसा होता है ठीक है ना बात है क्वेश्चन है कि इकोनॉमिस्ट जो है एडांसमिथ जैसे जो इकोनॉमिस्ट है वो कौन सी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को फॉलो करते हैं वो पॉजिटिव को करते हैं वो नॉर्मेटिव को करते हैं वो दोनों को करते हैं तो देखो एक चीज ध्यान रखना की जो इकोनॉमिस्ट वगैरह दीज ऑल डील विथ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये चीजों को एज इट इज लेते हैं ठीक है जैसे कि हमने बोला कि भाई डिमांड जो है वो फॉल हो रही है ठीक है डिमांड इज फॉलिंग ठीक है डिमांड फॉल हो रही है दिस इज दी फैक्ट इसको एज इट इज लिया गया ये क्या है ये पॉजिटिव है और इसी चीज को कंसिडर करेंगे जो इकोनॉमिस्ट है वो लोग ये नहीं करेंगे कि नहीं नहीं डिमांड को फॉल नहीं होना था डिमांड को इंक्रीज होना था इस चीज पर इकोनॉमिस्ट नहीं जाने वाले इकोनॉमिस्ट तो आपको बताएंगे ना कि आपकी इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है है ना तो जो फैक्ट है पहले उस पर डील किया जाता है ठीक है उसे जो है फॉलो किया जाता है एंड देन उसके बाद में उस पर जो है सजेशन दिए जाते हैं कि देखो भाई ये चीज अगर इकोनॉमी में हो रही है तो इसे जो है ऐसे क्योर किया जा सकता है ऐसे ठीक किया जा सकता है कोई चीज अगर अच्छी हो रही है तो उसे और अच्छी कैसे बनाया जा सकता है वो है ठीक है लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या आपको पढ़ना पड़ेगा जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है उसे फॉलो करना पड़ेगा उसे पढ़ना पड़ेगा जब तक ये सारी चीजें नहीं देखेंगे कि हाँ फॉल हो रही है क्यों फॉल हो रही उसके रीजन जानेंगे फिर उसके बाद में सजेशन दिया जाएगा तो फॉलो किसको किया फॉलो किया गया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को ठीक है सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए दैट इज पॉजिटिव अब ये मत बोलना कि मैडम वो भी तो आप हमें नॉर्मेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ऐसा होना था वैसे होना था इस पर नहीं जाएंगे वो फॉलो किसको कर रहे हैं स्टूडेंट वो फॉलो कर रहे हैं पॉजिटिव को क्योंकि वो जो है क्या बोल रहे हैं कि अच्छा ये चीज ऐसी है ये चीज ऐसी है जो डिमांड है वो ये फॉल हुई है वो इन रीजन की वजह से फॉल हुई है अब वो देखेंगे सप्लाई पर क्या इफेक्ट है वो देखेंगे जो वेरियस मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स है उन पर क्या है जो इंटरेस्ट रेट वगैरह है वो कैसे है क्या इनकी वजह से कुछ हुआ तो ऐसे जो है वो पहले पूरा पॉजिटिव टर्म्स में डील करते हैं जब उनकी पूरी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है जब उन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है तब वो अपनी जो है स्टेटमेंट देते हैं कि देखिए आप जो हैं अपनी इकोनॉमी को ऐसे ठीक कर सकते हैं ऑलराइट सो दिस इज व्हाट कि जो हमारे इकोनॉमिस्ट है वो किसमें डील किए पॉजिटिव में वो डील पॉजिटिव में किए नॉर्मेटिव में नहीं किए नॉर्मेटिव में करते तो क्या ऐसा होना चाहिए था ऐसा होना चाहिए था अलग अलग के वो व्यूज ले लिए अरे भाई पहले ये तो देखो हुआ क्या है राइट सो ऑप्शन वुड बी योर ऑप्शन स्टेटमेंट इज ट्रू इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है When MPS is equals इज one, टू value of ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज one. When MPS is equals to इज इक्वल्स टू of investment ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज

डिवाइड कर दिया क्या आंसर आया टू अगर एम की वैल्यू जो है वो अगर जीरो पॉइंट फाइव है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आएगी टू आएगी वन नहीं आने वाली है ये भी गलत वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जीरो पॉइंट फाइव हम देख चुके हैं अगर MPS की वैल्यू वन हैल्टीप्लायर की वैल्यून होती है दैट मीन आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया यान ए वेन एम पी एस इज इक्वल टू वन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज ऑल्सो वन ऑल राइट बहुत इजी क्वेश्चन था आई गेस क्लियर है आप लोगों को नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ टोटल डिपोजिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक इज टेन थाउजेंड इन एंड द लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट इज टेन परसेंट द अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपोजिट विल बी बहुत इजी क्वेश्चन है देखो क्या बोला गया है टोटल डिपोजिट दिए हैं आपको आपको एल दिया है और टोटल uh, डिपोजिट जो क्रिएट किए गए दैट मीन यहाँ पर जो है हम ये भी बोल सकते हैं कि टोटल जो मनी क्रिएट हुआ है जो क्रेडिट क्रिएशन हुआ है वो ठीक है सो मनी क्रिएटेड या क्रेडिट क्रिएशन आप लिख दो और आपको एल दिया है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनिशियल डिपॉजिट दिया है। अब देखो हमारा जो ये पूरा कंसेप्ट है एल के थ्रू जो है और इनिशियल डिपॉजिट्स के थ्रू जो है हम बताते हैं कि एक जो बैंक है वो कितना जो है मनी क्रिएट कर पाती है राइट सो so, उसका जो है क्या होता है एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में क्या मनी क्रिएशन या टोटल डिपॉजिट जो क्रिएट हुआ है इज इक्वल्स टू कैसे निकालते हैं हम इनिशियल डिपॉजिट डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय ठीक है मतलब कि वन बाय आर आर इज इक्वल्स टू यहाँ पर मैं सीधा सीधा इस वे में भी लिख सकती हूँ डिवाइडेड बाय एल आर आर कोई दिक्कत नहीं है ठीक है सो इनिशियल डिपॉजिट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका एल आर आर आ गया अब इनिशियल डिपॉजिट की वैल्यूज हमारे पास में नहीं गिवन है एल आर आर की वैल्यूज गिवन है मनी क्रिएटेड दैट इज जो टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड है है उसकी वैल्यू गिवन इसको फाइंड आउट कर लेते हैं बहुत ही इजी वे में हम लोग इसे फाइंड आउट कर लेंगे कितना टोटल डिपॉजिट क्रिएट हुआ है टेन थाउजेंड करोड का तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या टेन थाउजेंड इज इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट डिवाइडेड बाय लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट कितना है दस परसेंट है दस परसेंट है इसका मतलब मैं इसका परसेंटेज अगर हटाऊं तो ऊपर जो न्यूमरेटर है हमारा वहां मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड करना पड़ेगा ऑलराइट right. zero हो गए अब ये जो मल्टीप्लाइड बाय टेन है इसको ले आएंगे हम अपने लेफ्ट हैंड साइड पर लेंगे तो वो जीरो और एक इसका जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा बचेगा कितना थाउजेंड सो थाउजेंड क्रोर्स जो है ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके इनिशियल डिपोजिट्स की बहुत ही इजी है बस फार्मूला आपको पुट करना था फार्मूला आपने पुट कर दिया प्रॉपरली सॉल्व कर दिया तो आंसर जो है वो प्रॉपरली मिल जाएगा आपको दैट इज इनिशियल डिपॉजिट हमारे कितने होंगे वन थाउजेंड करोर्स के होंगे तब जाकर जो है वो बैंक जो है वो टोटल डिपॉजिट क्रिएट कर पा रही है ऑफ टेन थाउजेंड करोर ठीक है ऑप्शन देख लो वन थाउजेंड करोर टू थाउजेंड करोर फाइव थाउजेंड करोर्स एंड नाइन थाउजेंड करोर सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी योर ऑप्शन ए दैट इज वन थाउजेंड करोर्स ठीक I guess question जो है properly clear है। आगे चले वाले पर। से कौन सा है रेवेन्यू रिसीट कौन सी रिसीट्स होती है गवर्नमेंट की ऐसी रिसीट्स होती है जिसकी वजह से कोई भी लाइबिलिटी या असेट पर कोई जो है इफेक्ट नहीं होता ठीक है ना ही कोई असेट रिड्यूज हो रहा है और ना ही कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है ठीक है ये जो है इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं है ओके मैं ऐसे क्रॉस कर देती हूँ जिससे हमें समझ में आ गया कि अच्छा इन पर जो है कोई भी चेंजेस नहीं है दैट मीन रेवेन्यू रिसीट जो है वो ऐसी रिसीट्स है जिनकी वजह से या लाइबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता एंड अनिट दैट मीन्स मनी आ रहा है अब आपको अब बताना है विच ऑफ दीज इज नॉट अ रेवेन्यू रिसीट रेवेन्यू रिसीट कौन सी नहीं है ऑप्शन आर ए रिकवरी ऑफ लोन्स बी फॉरन ग्रांस सी प्रॉफिट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड जी वेल्थ टैक्स अब बहुत ही इजी है इसका जो आंसर है ठीक है अगर मैं वेल्थ टैक्स की बात करूं रेवेन्यू रिसीट में दो टाइप्स की रिसीट होती है एक क्या होता है एक होता है आपका टैक्स रेवेन्यू और एक क्या होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो दो वेज में जो है क्या करती है Uh, जो रेवेन्यू रिसीट्स है वो रिसीव करती है या तो वो टैक्स के थ्रू या फिर वो नॉन टैक्स रीजन की वजह से ठीक है नॉन टैक्स में क्या आ जाता है प्रॉफिट्स हो गया डिविडेंट हो गया वेरियस फीस हो गई पेनालिटी हो गई ये सारे नॉन टैक्स हो गए ठीक है ना अगर वेल्थ टैक्स देखूं नेम में आ गया है टैक्स टैक्स जो है वो टैक्स रेवेन्यू में जाएगा दैट मीन्स ये तो हमारा रेवेन्यू रिसीट है तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है देन प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर जो प्रॉफिट्स है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है वो जो है आपकी असेट या लाइबिलिटी पर जो है चेंजेस नहीं लाएगा प्रॉफिट ऑल राइट एंड लाइबिलिटीज आपके फाइनेंशियल एंड लाइबिलिटीज की हम लोग बात करते हैं तो प्रॉफिट जो है उस पर कोई चेंजेस नहीं लाएगा इसलिए ये भी रेवेन्यू रिसीट है बी ऑप्शन है आपका फॉरेन ग्रांट्स फॉरेन ग्रांट्स अगर आपने दिए हैं ठीक है थीके? तो वो चीज भी क्या है वो भी आपके जो है किसका पार्ट नहीं होगी रेवेन्यू रिसीट का पार्ट रेवेन्यू रिसीट का पार्ट होगी ठीक है फॉरेन ग्रांट्स अगर मिले फॉरेन ग्रांट्स में हम ये बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म ग्रांट्स नहीं जो ये रेमिटेंसेज वगैरह ठीक है जो ऐसी गवर्नमेंट को जिसने जो है लोन वोन नहीं दिया है हम क्या कर रहे हैं हम डायरेक्टली क्या बोल रहे हैं कि कोई मेरे रिलेटिव वहां पर है मैंने जो है उन्हें मनी दे दिया कोई वो जो रिलेटिव है उन्हें उन्होंने जो है मुझे मनी ट्रांसफर कर दिया ये वाली फॉरन ग्रांट्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ठीक है सो ये भी क्या हो गया आपका रेवेन्यू रिसीट हो गया उसके बाद में रिकवरी ऑफ लोन्स लोन्स जो है वो रिकवर किए गए तो लोन्स आपने किसी को दिए थे वो आपने रिकवर किए ठीक है थीके? तो आपकी जो असेट है वो क्या हो रही है आपकी जो असेट है वो हो रही है रिड्यूस क्योंकि आपने किसी को लोन दिया था तो वो आपका एक, एक असेट पार्ट में है ना कि आपने लोन दिया है आपको जो है मनी वापस मिलेगा विद इंटरेस्ट तो जब आपके पास में लोन वापस आ रहा है तो वो चीज जो है वो आपका असेट रिड्यूस हो रहा है असेट रिड्यूस हो रहा है दैट तो मीन्स वो आपका कैपिटल रिसीट में जाने वाला है रेवेन्यू रिसीट में नहीं जाएगा है ना क्योंकि रेवेन्यू रिसीट में या लाइबिलिटीज पर चेंजेस नहीं आते हैं तो ये जो चीज है कैपिटल रिसीट का पार्ट है रेवेन्यू का पार्ट नहीं है और हमें नॉट अ रेवेन्यू रिसीट बताना था सो दैट मींस आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा योर ऑप्शन ए दैट इज रिकवरी ऑफ लोन्स ऑल राइट आई गेस क्वेश्चन जो है प्रॉपरली आप लोगों को क्लियर हो गया है फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर इफ अ गुड टेक्स अप सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ अ कंज्यूमर्स बजट इट विल बी लेस इलास्टिक हाईली इलास्टिक यूनिट्री इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक अगर कोई एक गुड है जो कि एक कंज्यूमर के बजट का एक सिग्निफिकेंट शेयर जो है क्या करता है होल्ड uh, करता है तो ऐसे केस में वो जो गुड है उसकी इलास्टिसिटी कैसी होने वाली है जैसे कि फॉर एग्जांपल देती हूँ मान लीजिए कंज्यूमर की एक कस्टमर की जो इनकम है वो है ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है मतलब ये समझ लो कि इसका क्या है बजट है। फॉर मंथ बजट क्या हो गया 20, हो गया। This is the budget. अब इस 20, में वेरियस नीड्स है करना है। All right. मान लीजिए जो उनमें से कुछ नेसेसिटीज हो गई आपकी फाइव थाउजेंड की ऑल राइट right. कुछ लग्जरी हो गई आपकी टेन थाउजेंड की हो गया पंद्रह इसके अलावा फाइव थाउजेंड का मान लेते हैं कि फाइव थाउजेंड का हम मान लेते हैं कि कुछ जो है लेजर चीजें ठीक है जैसे कि पार्टी हो गई या कोई ट्रेवलिंग हो गई कहीं पर घूमना फिरना ठीक है डे आउट हो गया ये सब में मान लीजिए फाइव थाउजेंड हो गया ठीक है या फिर हम ये बोल सकते हैं कि फाइव थाउजेंड को सेव भी कर सकते हैं ऑल राइट right. अब यहां पर जो लग्जरी है वो कितने की है टेन थाउजेंड की है नाउ जस्ट इमेजिन जस्ट इमेजिन की लग्जरी का जो प्राइस है वो चेंज हुआ है ठीक है Luxury का क्या हुआ है प्राइस चेंज हुआ है तो क्या ऐसे केस में जो जो लग्जरी है है उसका उसका क्या होगा डिमांड वो कैसी होने वाली वो हाईली इलास्टिक होगी लेस इलास्टिक इलास्टिक होगी होगी यूनिटरी या परफेक्टली इलास्टिक होगी हमें ये बताना है ठीक है अब एक चीज देखिए कि लग, जो बजट है उसका जो नेसेसिटीज वाला पार्ट है वो तो फाइव थाउजेंड है वो तो होना ही होना एवरी मंथ ऑल उसके अलावा फाइव को क्या करता है एक पर्सन सेव करता है फॉर फ्यूचर यूज अब ये जो टेन थाउजेंड ये सिग्निफिकेंट पार्ट है ट्वेंटी का हाफ पार्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस में जाता है लग्जरीज में जाता है अब मान लीजिए जो भी ये लग्जरी वाली चीज है जो भी पर्टिकुलर उस पर्सन का एक्सपेंस है उसकी प्राइस कम हो गई है और अब जो है इसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है इस पर्सन का वो कितना लग रहा है एट थाउजेंड लग रहा है यहाँ पर तो क्या वो यहाँ पर डिमांड इंक्रीज कर देगा इसकी बिल्कुल करेगा क्यों करेगा देखो सिंपल सी चीज है यहां से क्या हुआ दो हजार रुपए बचे दो हजार बच्चे इसके अलावा वो सोचेगा कि चलो अगर कुछ लग रहा है एक्स्ट्रा में तो ये फाइव थाउजेंड का भी मैं इसमें यूज कर लेता हूं एंड जब नेक्स्ट मंथ वाली काम होगा तो नेक्स्ट मंथ में, में मेरा ये टेन थाउजेंड का जो बजट है या ये जो टेन थाउजेंड है इसमें से मैं बहुत जो है अमाउंट सेव कर सकता हूँ राइट क्योंकि क्या होगा कि की लग्जरी आप डेली के डेली कंजम्पन कर रहे हो है ना जैसे कि ए खरीदनी है टीवी खरीदनी है आ, कोई बाइक खरीदनी है ये क्या है ये सारे हम एक काइंड ऑफ लग्जरियस गुड्स ही बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये लग्जरी में आ रहे हैं हमारी जो है सहूलियत के लिए हमारी जो है वेरियस जो है है वेरियस फैसिलिटीज के लिए हम इन सारी चीजों को ले रहे हैं तो अगर कुछ ऐसा हुआ है तो वो सोचेगा कि अभी मैं अगर ये फाइव थाउजेंड भी यूज कर लेता हूँ तो नेक्स्ट मंथ में क्या होगा मेरा ये जो टेन थाउजेंड वाला खर्चा है ये थोड़ा कम हो सकता है एंड मेरे पास में ज्यादा अमाउंट होगा सेव करने के लिए राइट सो दैट मीन्स अगर कोई सिग्निफिकेंट शेयर है किसी के बजट में कोई भी एक पर्टिकुलर गुड का तो उसकी जो डिमांड है वो कैसी होगी वो हाईली इलास्टिक होगी क्यों क्योंकि वह चेंज इन प्राइस उसकी जो डिमांड है वो ज्यादा चेंज होगी राइट right? जैसे कि अगर लग्जरीज की हम लोग बात भी कर रहे हैं स्टूडेंट तो इनकी प्राइस कोई बहुत ज्यादा तो चेंज नहीं होने वाली है एक बार वो एट थाउजेंड हो गई इससे ज्यादा चलो और कम हो गई सेवन थाउजेंड लेकिन क्या इससे कम जाएगी मोस्टली या रेयरली ही जा पाएगी ठीक है मोस्टली नहीं जाने वाली है वो है ना सो दैट मीन्स कि अगर हम ये सोचें कि हम वेट कर ले अभी सात हजार गई है और कम हो जाएगी तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है हाँ ये फिर जो है ये इंक्रीज जरूर हो सकती है जैसे कि ये बारह हजार हो जाए

मतलब कि जो आपके इंडिविजुअल डिमांड कर्व है उनका वर्टिकल सबमिशन करोगे उनका हॉरिजॉन्टल सबमिशन करोगे या दोनों करने वाले वो आपको बताना है अब अगर मैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व की बात करूं, तो ये क्या है ये है हमारे इंडिविजुअल डिमांड कर्व ठीक है मान लो ये कुछ ऐसा है यहाँ पर एक और कोई डिमांड कर्व हमने ले लिया इसको हमने बोल दिया डी वन डी टू एंड डी थ्री All right ये क्या है दीज आर इंडिविजुअल डिमांड कर्व ठीक है आईडी1 आईडी2 आईडी3 कर लो आप इसको फिर अगर मैं मार्केट डिमांड कर्व बनाना चाहूं तो वो क्या होगा दिस प्लस दिस प्लस दिस ठीक है इन तीनों को हम एक साथ में ऐड करेंगे और फिर जो हमें फिगर्स मिलेंगे हम क्या करेंगे उन सब को क्या करने वाले हैं उन सब के जो है उससे अपना जो मार्केट डिमांड वो बताएंगे ऑल राइट सो एक आपके पास में आ जाएगा मार्केट डिमांड का कर्व अब आपको ये बताना है कि आपने इसका हॉरिजॉन्टल समीशन किया है या इसका वर्टिकल समीशन किया है या जो है दोनों ही कर रहे हो आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों हो रहा है अब देखो बहुत ही लॉजिकल सी चीज है बहुत अच्छे से समझिएगा इजी है समझ में आ जाएगा यहां पर जो हमारा वाई एक्सेस होता है इस पर हम क्या लेते हैं स्टूडेंट इस पर हम लेते हैं प्राइज एंड जो हमारा एक्स एक्सेस होता है इस पर हम क्या लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड ऑल राइट सेम गोस्ट टू दी मार्केट डिमांड कर्व मार्केट डिमांड में भी हम क्या कर रहे हैं अपने पर लेंगे प्राइस को और एक्स एक्सेस पर लेंगे अपनी क्वांटिटी डिमांड को ठीक है नाउ अगर मैं बोलूं कि यहां पर हम जो है थोड़ी सी डिमांड बताते हैं अपनी ऑल राइट यहां पर जो है मान लो ये आया एक सेम प्राइस पर बता दूं तीनों की डिमांड ठीक है ये एक और हो गया और ये जो है एक और हो गया लेट्स से डिमांड इज टेन यूनिट्स ट्वेंटी यूनिट्स थर्टी यूनिट्स अब अगर मुझे मार्केट डिमांड बतानी है एट दी प्राइस टेन रुपीज तो कितनी होगी स्टूडेंट सिंपल सी चीज बताना ठीक है टेन रुपीज पर मार्केट डिमांड कितनी है हम क्या करेंगे थर्टी प्लस ट्वेंटी प्लस टेन राइट सो थर्टी प्लस ट्वेंटी फिफ्टी प्लस टेन सिक्सटी हो जाएगी तो मैं कि मार्केट डिमांड एट दी एट टेन रुपीज इज वॉट सिक्सटी यूनिट दैट मीन आपने क्या किया आपने हॉरिजोंटल सम्मीशन किया वर्टिकल सम्मीशन किया एक चीज को समझो हॉरिजोंटल और वर्टिकल क्या है हॉरिजोंटल और वर्टिकल क्या है अगर मैं इस वाले एरो की बात कर रही हूँ ठीक है ऐसे ऐसे अगर मैं बात कर रही हूँ सो दिस इज वॉट दिस इज हॉरिजोनटल ये आप ऐसे जो है चीजों को ऐड कर रहे हो और वर्टिकल जब आप ऐसे ऐसी चीजों को ऐड कर रहे हो ठीक है तो ये होता है आपका वर्टिकल ऑल राइट right? कि अगर जो है हम वेरियस ये जो चीजें अगर ये ऐड कर रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा वो आपका वर्टिकल आ जाएगा तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टली क्या कर रहे हो ऐड कर रहे हो ठीक है जो हॉरिजॉन्टली आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है उसे आप ऐड कर रहे हो और क्या करोगे आप एट दी प्राइस ऑफ रुपीज टेन आप डिमांड कर मार्केट डिमांड कर बताओगे जिसमें कि आप क्या बताओगे कि टेन रुपीज पर सिक्सटी डिमांड सिक्सटी यूनिट्स की डिमांड हुई है तो प्राइजेस में कोई चेंजेस नहीं होते हमारे इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में है ना जो प्राइजेस है वो तो सेम है सेम प्राइजेस पर अलग अलग इंडिविजुअल क्या क्या डिमांड कर रहे हैं उन सबको ऐड करते हैं तो हमारा मार्केट प्राइस आता है तो हमने क्या, क्या है? हमने किया है हमने हॉरिजॉन्टली सभी को ऐड किया है ऑल राइट सो कौन सा जो है समीशन होगा हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा सो दैट वुड बी हॉरिजॉन्टल जो कि आपका ऑप्शन बी है ठीक है आई गेस क्लियर हो गई है चीज अच्छे से कि हॉरिजोंटल और वर्टिकल हम कैसे बता रहे हैं एक बहुत ही लॉजिकल सी चीज थी एंड आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर भी हो गया है ऑल right, फिर आगे चले आइडेंटिफाई दी ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट हमें जो है क्या बताना है ऑब्जेक्टिव बताने बजट के इनमें से क्या क्या दिया है ये देखो सबसे पहले तो एक्टिविटीज सी है आपका, है जो है, इसके ऑब्जेक्टिव्स बता रहे हैं ठीक है कि इनमें से क्या है जो कि बजट का ऑब्जेक्टिव होगा uh, जो बजट है स्टूडेंट्स उसके जो ऑब्जेक्टिव्स पढ़े क्या उसमें हमने एक ऐसा पढ़ा है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है वो टैक्सेस के थ्रू जो जिनके पास में रिसोर्सेस ज्यादा हैं जिनके पास में कैपेबिलिटीज़ ज्यादा है उनसे क्या करती है मनी लेती है ठीक है किसकी हेल्प से टैक्सेस की हेल्प से यहाँ से जो है मनी लेती है वो और इस मनी को वो यूज करती है टू गिव सब्सिडीज टू दोज हुआ फिनेंशियली चैलेंज ठीक है जिनके पास में जो है इतने मीन्स नहीं है तो यहां से क्या हुआ रीअलोकेट करती है वो रिसोर्सेज को ठीक है जो रिसोर्सेज हैं अगर वो एक प्लेस पर हैं तो वहां से रिसोर्सेज को गवर्नमेंट लेती है बाय वेरियस मेजर्स ऑफ बजट या हम बोल दें कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है वो वेरियस रिसोर्सेज को अपने पास में लेती है और फिर उन्हें वापस वापस जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है जिन जगहों पर वो रिसोर्सेज नहीं पहुंचे वहां तक पहुंचाती है ठीक है सो दैट मीनस कि फर्स्ट वाला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल करेक्ट है री एक्टिविटीज नाउ री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज री एक्टिविटीज कहीं ना कहीं कनेक्टेड है क्या करती है गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूट करती है एक्टिविटीज को राइट right? जो वेरियस जो ये सारी रिसोर्स जो एक्टिविटीज है उन्हें जो है अप करके और उन्हें क्या करती है वापिस रीडिस्ट्रीब्यूट करती है सो दैट मीनस की ये भी आपका करेक्ट है स्टेबिलाई एक्टिविटीज जो गवर्नमेंट है वो स्टेबिलाईजिंग एक्टिविटीज अंडरटेक करती हैवर्नमेंट uh, है वो स्टेबल बनाती है राइट right? स्टेबल करती है चीजों को अब अगर हम गवर्नमेंट बजट देखें जो ऑब्जेक्टिव्स है बजट के वो यही है कि जो पूरी इकोनॉमी है उसमें क्या रहे उसमें सारी चीजें जो है वो सही तरीके से चले एम्प्लॉयमेंट बढ़े लोगों का भला हो है ना जो लोग टैक्स पेइंग जिनके पास में टैक्स पेइंग कैपेसिटी है उनसे टैक्सेस लिए जाए ताकि उस मनी को जो है अल्टीमेटली गवर्नमेंट वापस हमारे ही वेलफेयर पर यूज कर दे तो ये सारे जो हैं अगर हम देखें तो ए बी और सी तीनों ही क्या है तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं आपके गवर्नमेंट बजट

करेक्ट ऑप्शन वुड बी नेट इनडायरेक्ट डायरेक्ट राइट अगर हम बोले कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें फाइंड आउट करना है कैसे फाइंड आउट करते हैं हम उसका एक फॉर्मूला क्या है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज ये एक फॉर्मूला है कि अगर आप लोगों के पास में सब्सिडीज है इनडायरेक्ट टैक्स है तो आप क्या करोगे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज करोगे तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिल जाएगा इसके अलावा नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर हमें फाइंड आउट करना हो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की हेल्प से तो हम कैसे करते हैं मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट करते हैं तो आपके पास में आ जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ठीक है नाउ आपको बताना है कि मार्केट प्राइस जो है वो किससे इंक्लूड करता है विच ऑफ़ दी फॉलोइंग दस दी मार्केट प्राइज इंक्लूड मार्केट प्राइस में क्या इंक्लूडेड होता है अगर हम देखें तो मार्केट प्राइस में आपके नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं राइट right? मान लो फैक्टर कॉस्ट पर हमारी जो प्राइस आई है वो आई है ट्वेंटी रुपीज की किसी चीज की उसके बाद में टैक्सेस सब्सिडी सब कुछ जो है हमने किया नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकाला मान लीजिए टेन रुपीज का तो इसमें जो है इस फैक्टर कॉस्ट में एड हो जाएगा टेन रुपीज और फिर वो बनेगा थर्टी रुपीज और ये चीज क्या होगी ये होगी आपकी मार्केट प्राइस मतलब की जो मार्केट प्राइस है वो किसे इंक्लूड कर रहा है वो इंक्लूड

1763 and 1747. The correct option would be so, your correct option would be your option.

फाउंडेशन है वो स्टार्ट होता है ठीक है अब आप लोगों को बहुत बार ये भी डाउट्स होते हैं कि मैम ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया में तो 1600 में ही आ गए थे तो देखो 1600 में आ गए थे लेकिन वो उस टाइम पर हमें रूल नहीं कर रहे थे वो उनका उस टाइम पर एक ही जो है मोटिव था ट्रेड करने का वो सिंपली ट्रेड कर रहे थे उस टाइम पर वो हमें रूल नहीं कर रहे थे उस टाइम पर जो है वेरियस जो किंगडम्स हैं वहां पर जो है वेरियस वेरियस किंग्स हम बोल सकते हैं या वेरियस जो लीडर्स थे वो लोग रूल कर रहे थे लेकिन आफ्टर दिस बैटल जो ब्रिटिशर्स हैं उनका जो Uh, जो एम्पायर सेटअप हुआ जो हम पे रूल करने आए वो तो वो चीज जो है वहां से स्टार्ट हुई ठीक है फ्रॉम द ईयर 1757 जो फर्स्ट बैटल उन लोगों ने फोर्ट की इंडिया में वो ये हम बोलेंगे दैट इज बैटल ऑफ प्लासी ऑल राइट सो आई गेस क्लियर है और ये किसके -किस बीच में हुआ था ब्रिटिशर्स एंड बंगाल के जो नवाब्स थे उनके बीच में हुआ था ये भी थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है ठीक है कि जो बंगाल नवाब्स थे वो क्या हो गए वो डिफीट कर दिए गए थे ठीक सो आई गेस क्लियर है क्वेश्चन आगे चलते हैं नेक्स्ट पर इफ इज टू द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी अगर एम पी एस जीरो है तो जो मल्टीप्लायर की वैल्यू वो क्या होगा अब थोड़ा सा इससे थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन या हम बोले कि फिगर बस चेंज था और इसके पहले हमें एक क्वेश्चन दिखकर आ चुके हैं है ना क्या बोला गया एम पी एस क्या है जीरो है तो इसे हम क्या कर दें सब्सटीट्यूट कर दें वन डिवाइडेड बाय जीरो वन डिवाइडेड बाय जीरो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ऑप्शन जो आंसर है वो क्या आता है स्टूडेंट्स That is infinite. अगर आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर क्या आएगा आपका आंसर इन्फिनिटी आता है ठीक है तो ऑप्शन डी इज करेक्ट और वहीं अगर कोई आपके पास में ऐसा डिविजन हो जिसमें आपको जीरो डिवाइडेड बाय वन अगर करना है तो इसका करेक्ट आंसर क्या आता है जीरो आता है ठीक है इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है अगर जीरो डिनोमिनेटर में है तो आंसर वुड भी इंफिनिटी और अगर जीरो न्यूमिनेटर में है तो आंसर वुड भी जीरो ऑल राइट इस चीज को याद रखिएगा कंफ्यूज नहीं होना है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं हु द फर्स्ट हुयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे प्लानिंग कमीशन के इंडिया में अब बहुत ही सिंपल आंसर है इसका एक चीज याद करो प्लानिंग कमीशन अब तो जो है ऑपरेट नहीं होता है अब वो जो है रिप्लेस कर दिया गया है बाय नीति हम हमने जो चीजें पढ़ी प्लानिंग कमीशन के जो पर्सन होते हैं वो कौन होते थे सो दी एम दैट इज प्राइम मिनिस्टर ठीक है जो भी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे वो क्या बनते हैं वो प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन बनते हैं अब आपको बोला गया कि फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे किसके प्लानिंग कमीशन के ठीक है जो प्लानिंग कमीशन है वो सेटअप हुआ वहां पर जो है प्लान बनाए गए राइट अब ये जो सब कुछ हुआ उस टाइम पर हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे दैट वाज जवाहरलाल नेहरू जी राइट सो दैट मीन कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो चेयरपर्सन भी कौन होंगे वही होंगे तो फर्स्ट चेयरपर्सन सबसे पहले जब ये बनाया गया तब उस टाइम पर वही थे प्राइम मिनिस्टर तो वही इसके चेयरपर्सन होंगे है ना तो फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन वुड बी आर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऐसे याद रख लो ठीक है तो ऑप्शन आर जवाहरलाल नेहरू राजेंद्र प्रसाद दादा भाई नारोजी एंड आर नार सी देसाई बहुत ही सिंपल आंसर हो जाएगा दैट इज योर ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ठीक फिर आते हैं नेक्स्ट पर सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस इज अ पार्ट ऑफ एम वन एम टू बोथ ए एंड बी नन ऑफ दी दब जो सेविंग डिपॉजिट है किसके साथ में पोस्ट ऑफिस के साथ में पोस्ट ऑफिस बैंक में रखा हुआ वो किसका पार्ट होता है अगर हम एम वन की बात करें तो एम वन में क्या आता है एम वन में आता है करेंसीज और कॉइन्स जो डिमांड डिपॉजिट है ये सारी चीजें सेविंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस बैंक के साथ में नहीं आता है एम वन में ये नहीं आता है तो फिर किस में आता है ये M2 में आता है क्या तो देखो एम टू का सीधा सीधा सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, right? है. So है? पोस्ट ऑफिस है ये आपके एम टू का पार्ट होगा तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन बी दैट इज एम टू ठीक है फिर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर वेप्ट आर ऑल डोमेस्टिक वेरिएंट्स जो सारे डोमेस्टिक वेरियंट हैं वो इनमें से कौन से कंसेप्ट में आएंगे नेशनल टेरिटोरियल इकोनॉमिकल एंड ऑल ऑफ द अब अब एक चीज ध्यान रखना जब भी हम डोमेस्टिक वेरियंट्स को फाइंड आउट करते हैं डोमेस्टिक वेरियंट्स मतलब क्या हो गया जी डी पी एनडीपी राइट यह हो गया है आपके डोमेस्टिक वेरियंट जी डी पी एट एम पी जी डी पी एट एफ सी एन डी पी एट एम पी एंड एनडीपीएटी ये चारों क्या हो जाएंगे ये चारों हो जाएंगे आपके डोमेस्टिक वेरियंट्स अब जब हम इन्हें फाइंड आउट करते हैं तो हम किस चीज को ध्यान रखते हैं या फिर ये समझो कि जब हम कभी भी ऐसे निकालते हैं कि ये चीज इंक्लूड होगी नहीं होगी तो हम क्या एक फैक्टर देखते हैं अगर हमें जो है इन चारों में से यहाँ पर जीडीपी एनडीपी जी लिखना है आपको अगर इन चारों में में से हमारे पास में कुछ भी डोमेस्टिक तो। तो प्रोडक्ट तो ये डोमेस्टिक है ठीक है देन द सेकेंड चीज कि इसे जो है इसमें हम क्या चीज इंक्लूड करते हैं या हम ये बोले कि ये कौन से कंसेप्ट जो इसमें आते हैं तो हमने देखा है कि जो डोमेस्टिक इनकम हो गई या जो डोमेस्टिक वेरिएंस है उनमें हम एक चीज ध्यान रखते हैं दैट इज डोमेस्टिक टेरेटरी अगर आपकी जो है टेरिटरी में कोई भी फंक्शन हो रहा है आपकी टेरिटरी में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेक की जा रही है तो वो आप लोग इन में क्या करते हो इंक्लूड करते हो चाहे वो रेसिडेंस हो या वो नहीं हो आपकी कंट्री के लेकिन अगर आपकी टेरिटरी में कोई भी ऑपरेशन हो रहा है कोई भी फंक्शन हो रहा है तो वो चीज क्या होता है वो चीज हम लोग अपने डोमेस्टिक वेरियंट में लिखते हैं दैट मीन्स जो डोमेस्टिक वेरियंस है वो कौन सा कंसेप्ट होंगे वो नेशनल कंसेप्ट होंगे वो टेरिटोरियल कंसेप्ट होंगे इकोनॉमिकल कंसेप्ट होंगे कौन से होंगे दैट वुड बी और ऑप्शन बी दैट इज टेरिटोरियल कंसेप्ट ठीक है यहाँ पर क्या है टेरिटरी पे बेस्ड है हम नेशनल पर बेस्ड नहीं जाते नेशनल क्या हो जाता है कि आपके जो भी नॉर्मल रेसिडेंस है वो पूरे नेशन में कहीं पर भी हो तो वो आपके जो है नेशनल इनकम में हम उनकी जो इनकम है वो इंक्लूड करते हैं लेकिन जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हमारे रेसिडेंस कहाँ हैं हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारी जो टेरिटरी में है टेरिटरी है उसमें क्या क्या फंक्शन हो रहा है क्या क्या वर्क हो रहा है और उन सब चीजों का हम समअप जब करते हैं तो हमारी डोमेस्टिक इनकम निकलती है ऑल राइट सो दैट मीन्स डोमेस्टिक वेरियंट इज अ टेरिटोरियल कंसेप्ट ठीक है और अगर यहीं पर नेशनल वेरियंट बोला जाता तो नेशनल वेरियंट क्या होते हैं वो नेशनल कंसेप्ट होते हैं ऑल राइट फिर आ जाए नेक्स्ट पर व्हाट ऑल इज कवर्ड अंडर द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में इनमें से क्या क्या सारी चीजें जो है वो कवर्ड होती है ऑप्शन आर वॉट गुड्स टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच हाउ टू प्रोड्यूज फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड ऑल ऑफ अब रिसोर्सेज को क्या करना है एलोकेट करना है ठीक है हम किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की मान लीजिए कि कोई भी एक रिसोर्स है से कोल ठीक है ये क्या है ये एक रिसोर्स है अब इस कोल से क्या प्रोड्यूस करना है वॉट टू प्रोड्यूस और क्या प्रोड्यूस करना है पता चल गया तो कितना प्रोड्यूस करना है ऑल राइट right. ये चीज आई सामने उसके बाद में ये भी पता चल गया अब फिर आएगा कैसे प्रोड्यूस करेंगे है ना और किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट मीन्स अगर मुझे कॉल को एलोकेट करना है तो मुझे इन सबको आंसर देना होगा ना अगर मैं बोल दूँ कि नहीं नहीं मैं तो बस कोल को, कोल से जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रही हूँ कितना प्रोडक्शन कर रही हूं वो भी तो बताना पड़ेगा कैसे प्रोडक्शन करने वाली हूँ मैं ये भी तो हमें सोचना पड़ेगा राइट जो मोस्ट इफेक्टिव मैनर होगा तो पता होना चाहिए ना नहीं तो सिर्फ ऐसे ही आप कोई भी प्रोडक्ट product का प्रोडक्शन कर दोगे उसको अगर कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है तो फिर उसका प्रोडक्शन का मतलब क्या है सिर्फ रिसोर्स वेस्ट हुआ इसलिए जो है किसके लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है एंड अकॉर्डिंगली जब हम ये बोल रहे हैं कि किसके लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है तो उसी बेसिस पर क्या होता है उसी बेसिस पर उसके प्राइजेस भी डिटरमाइन किए जाएंगे कि ये किसके लिए प्रोड्यूस हो रहे हैं तो अकॉर्डिंगली उस हिसाब से प्राइजेस जो है वो रखे जाएंगे राइट सो आई गेस कि ये तीनों जो है ये आपको क्लियर है कि अगर हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तो ये तीनों ही जो क्वेश्चंस हैं ये क्या होते हैं ये आपके इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में कवर्ड होते हैं Okay, that is what goods to produce, how much to produce, how to produce, and for whom to produce. Alright, so your correct option would be your option D, all of the above. Phrate, next question per, Owing to technical reforms, productivity in the agriculture sector has tended to rise, fall, remain constant, none of these. जो टेक्निकल रिफॉर्म्स है इन टेक्निकल रिफॉर्म्स को देखते हुए इन टेक्निकल रिफॉर्म्स के कारण जो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी है उसमें हमें क्या देखने को मिला वो राइज हुई है वो फॉल हुई है वो कॉन्स्टेंट रही है या नन ऑफ दीज देखो बहुत ही सिंपल आंसर क्या है दैट इज वो राइज हुई है हमने देखा है कि फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स फ्रॉम प्रीवियस डिकेड्स आज की डेट में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ग्रो हुआ है उतना नहीं हुआ जितना हम चाहते हैं लेकिन येट हम क्या बोलेंगे कि हां वो ग्रो हुआ है राइट एंड ग्रो कैसे हुआ तो वेरियस जो है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए पहले जो है किसके हेल्प से या इरिगेशन या आई से एग्रीकल्चर किया जाता था वो प्लग वगैरह प्लो वगैरह यूज करते थे राइट हैंडमेड जो सारे इक्विपमेंट्स हैं उन्हें यूज करते थे और वो भी पूरा जो है हैंड का ही बेसिस था उसमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता था फिजिकल वर्क करना पड़ता था आज की डेट में वही चीज चेंज हो गई है विद दी हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स और भी जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं लाइक सिड्रिल्स वगैरह राइट हार्वेस्टर्स हो गए तो हार्वेस्टर्स से जो है हार्वेस्ट का इजी हो गया है, अदरवाइज वही चीज जब पहले थी तो जो है हाथ से जो है चीजों को जो ग्रेन काटना पड़ता था तो ऐसे केस में प्रोडक्टिविटी क्या हुई है productivity rise हुई है, है कम में and effective manner में जो है, क्या हो जाते हैं? आपका जो पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम है या पूरा जो एग्रीकल्चर प्रोसीड है वो कंप्लीट हो जाती है राइट सो दैट मींस कि ओइंग जो टेक्निकल रिफॉर्म्स जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर सेक्टर की दैट टेंटेड टू राइज ऑल राइट तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया योर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट वाले पर आते हैं इज द अदर अदर नेम नेम ऑफ इनकम इनकम मेथड मेथड का other name क्या है फैक्टर पेमेंट मेथड फैक्टर सर्विस मेथड फैक्टर आउटपुट मेथड एंड डी इज नन ऑफ करेक्ट ऑप्शन वुड बी फैक्टर पेमेंट मेथड कैसे फैक्टर पेमेंट मेथड इनकम किसकी हुई वेरियस सेक्टर्स की हुई ठीक है अब वेरियस सेक्टर्स की अगर इनकम हुई है तो हम हम हमेशा इनकम में क्या लेते हैं स्टूडेंट्स हम हमेशा इनकम में जो फैक्टर इनकम है उसी को इंक्लूड करते हैं ट्रांसफर इनकम्स जो है वो कभी भी इंक्लूड नहीं की जाती ठीक है तो अगर फैक्टर इनकम किसी की हो रही है दैट मीन्स मान लो मैं आ, मैं वर्क कर रही हूँ कहां पर मैग्नेट ब्रेन पर ठीक है एम बी में वर्क कर रही हूँ अब मैंने क्या किया मैंने अपनी फैक्टर सर्विसेज पर क्या की है प्रोवाइड की है तो इस केस में जो एम बी है वो मुझे क्या दे रही है मेरा जो ये फैक्टर सर्विसेज मैंने प्रोवाइड की है इसके लिए मुझे पेमेंट दे रही है ठीक है वो मुझे पे कर रही है ऑल राइट right. तो एम बी जो है उन्होंने क्या किया मुझे पेमेंट दिया अब ये जो पेमेंट है ये मेरे लिए क्या है ये मेरे लिए इनकम है तो जब हम इनकम मेथड से क्या फाइंड आउट करते हैं अपना जो नेशनल इनकम डोमेस्टिक से हम कोई भी एग्रीगेट को फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं ऐसे जैसे मैं हूँ वैसे ही हम जो वेरियस हमारे सेक्टर्स हैं वेरियस जो लोग हैं इंडिविजुअल्स हैं उन सबकी इनकम को क्या करते हैं एड करते हैं ऑल right अब जैसे कि यहाँ पर वी नो एम बी ने मुझे क्या किया है पेमेंट किया है सेम वे में एम ने जो और भी लोग यहाँ पर वर्क करते हैं उन सबको क्या किया है उन सबको पेमेंट किया है है इन सब की जो इनकम रिसीव की की इन सब इनकम को ऐड कर कर हम क्या बना देते हैं कि एमबी का टोटल जो है इनकम कितनी है ठीक है लोगों की टोटल इनकम कितनी है एमबी की दैट मीन मैग्नेट ड्रेन की सो दैट मीन कि वो कहीं ना कहीं ये भी क्या बता रहा है कि मैग्नेट ड्रेन ने इन टोटल कितना पेमेंट किया है राइट right? इन टोटल मैग्नेट ब्रेन कितना पेमेंट कर रहा है वो भी तो बता रहा है अगर यहाँ के सारे एम्प्लॉइज की इनकम को एडअप कर लिया जाए तो हम बोल रहे हैं कि भाई ये मैग्नेट ब्रेन की टोटल लोगों की जो इनकम है वो निकल गई तो सेम अमाउंट जो है है वो किसका आता पेमेंट का आता है राइट हम सभी एम्प्लॉइज ने क्या किया है फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की इसके अगेंस्ट हमने इनकम आन की सो दैट इज दर फैक्टर इनकम सेम गोल्स की मैग्नेट ब्रेन ने क्या किया है कि हम सबको इनकम हम सबको पेमेंट किया तो वो उनका फैक्टर पेमेंट था अब मैग्नेट ब्रेन की जगह पर आप किसको रख लो पूरी कंट्री को रख लो ठीक है ये हो गया हमारा इंडिया, ये जो है, उन सबको रख लो तो जितनी सबकी इनकम आएगी दैट मीनस कि इंडिया में जो है उतना फैक्टर पेमेंट किया जा रहा है सो इनकम मेथड कैन बी कॉल्ड बाय द नेम फैक्टर पेमेंट मेथड ऑल राइट right. अब देखो ऐसा नहीं है कि ये हमने अपने मन से बनाया हो ये बिल्कुल जो है उसका अदर नेम है एंड कैसे वो अदर नेम है इस चीज को मैंने आपको प्रूव कर दिया है ताकि आप लोगों के माइंड में जो है ये अच्छे से फिट हो जाए हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आप लोगों को जो है अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन ए दैट इज फैक्टर पेमेंट मेथड फैक्टर सर्विस नहीं होगा और ना ही फैक्टर आउटपुट होगा आउटपुट जो है वो आपके आउटपुट वाला सेक्टर अलग हो जाएगा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो देखो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो अल्टीमेटली इनकम भी तो होना चाहिए वहां पर जो है मनी का टर्म्स हमने नहीं लिखा है जब हम इनकम मेथड में बात कर रहे हो तो हम मनी के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस ऑब्वियसली चीज है कि इनमें से भी जो है हमें मनी के टर्म्स में ही बात करनी पड़ेगी ऑल राइट सो इसलिए जो है आपका फैक्टर पेमेंट मेथड इज दी करेक्ट ऑप्शन फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अम्पोनेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इनमें से क्या है जो कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपोनेंट नहीं है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर दो अलग अलग होते हैं ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम उन्हें बोलते हैं जो कि इकोनॉमी के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हम उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर को बोलते हैं जो कि सोशल वेलफेयर में और सोशल डेवलपमेंट में सोसाइटियल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं ठीक है So, which of the following is not a component of social uh, infrastructure? हमें बताना है कि इनमें से क्या है जो कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ऑप्शन है रोड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल ऑफ दीज अब सिंपल सी चीज समझो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली जब भी ये टर्म आए तो दो इंफ्रास्ट्रक्चर को याद रखना कौन कौन से एक है एजुकेशन और एक है हॉस्पिटैलिटी मतलब कि आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आपका जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है ये किस में आएगा ये आता है आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्योंकि अल्टीमेटली वो सोसाइटील डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है राइट right? अगर पढ़ा लिखा इंसान होगा तो वो एज as असेट जो है एज ह्यूमन कैपिटल फ्रेम होगा फॉर्म होगा और वो आगे जो है कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा सेकेंड चीज की अगर एक पढ़ा लिखा इंसान है तो वो खुद के भी जो है वेलफेयर में काम करेगा खुद की सोसाइटी खुद के जो है किसके लिए खुद की फैमिली के लिए वर्क करेगा वेलफेयर में ठीक है सेम चीज अगर एक पर्सन हेल्दी है तभी वो ढंग से वर्क कर सकता है अदरवाइज जो है प्रोडक्टिविटी वो रहेगी ही नहीं सो दैट मीन्स की सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में दो आपके जो है इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं दैट इज एजुकेशन एंड हेल्थ ठीक है अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपके पास में एज पर योर सिलेबस अगर हम बात करें तो अगर इन दोनों के अलावा आपके पास में कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर का टाइप आता है तो वो आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता वो क्या होता है वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जैसे कि रोड हो गया कम्युनिकेशन हो गया इलेक्ट्रिसिटी हो गया ये देखो बात करें तो ठीक है कहीं ना कहीं सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हेल्प कर रहे हैं लेकिन ज्यादा जो है हम क्या बोलेंगे कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं ठीक है ये कंफ्यूज ना हो आप इसीलिए मैं बोल रही हूं कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप दो चीजों को याद रख लो हेल्थ एंड एजुकेशन उसके अलावा क्या करो कि बाकी सारे क्या हो गए हमारे इकोनॉमिक हो गए ठीक है तो अब आपको बोल रहा है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है सो so ये तीनों ही जो है ये पार्ट नहीं है तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा योर ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ दीज ठीक आई गेस क्लियर है क्वेश्चन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए फॉलोइंग इज नॉट दोर्स ऑफ कैपिटल रिसीट ऑफ दवर्नमेंट इनमें से क्या है जो की कैपिटल रिसीट का सोर्स नहीं है कैपिटल रिसीट क्या होती है कैपिटल रिसीट वो आ, हम बोलेंगे रिसीट होती है जिसमें या तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है या फिर असेट डिक्रीज होता है ठीक है और इसका प्रॉपर एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है दैट मीन हो सकता है गवर्नमेंट जो है वो बोरो कर रही है गवर्नमेंट लोन ले रही है अगर लोन लिया है तो लाइबिलिटी बढ़ी लेकिन वो रिसीट है क्योंकि एट प्रेजेंट तो हमारे पास में मनी आ रहा है ना तो बोरोइंग जो है वो लाइबिलिटी इंक्रीज करती हैं वो कैपिटल रिसीट का पार्ट है अगर मैं असेट की बात करूं तो असेट क्या हो गया असेट को डिक्रीज करना है ना डिस इन्वेस्टमेंट ठीक है गवर्नमेंट जो है वो डिस इन्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट अपना शेयर जो है वो सेल कर रही है तो इससे असेट तो कम हुआ लेकिन गवर्नमेंट सेल कर रही है दैट कि गवर्नमेंट को मनी मनी मिलेगा money मिलेगा इट वो रिसीट है है ठीक तो असिट डिक्रीज इट मीन एक एग्जाम्पल हमने क्या लिया डिस इन्वेस्टमेंट ले लिया इसके अलावा और भी चीजें आती है लेकिन एक अगर ब्रॉडली अगर समझना है तो हमने कुछ इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझा है अब आपको क्या बताना है कि नॉट अ सोर्स ऑफ क्या है कैपिटल रिसीट है ऑप्शंस देखो डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बी इज रिकवरी ऑफ लोन्स सी शेयर ऑफ सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड मार्केट बोरोइंग्स ठीक है अब देखो सिंपल सी चीज है मार्केट बोरोइंग्स दैट मींस गवर्नमेंट क्या कर रही है बोरो कर रही है बोरो कर करेंगे लायबिलिटी बढ़ेगी लायबिलिटी बढ़ी है दैट मींस दिस इज कैपिटल रिसीट सेकेंड वाले पर आओ सेल ऑफ शेयर्स शेयर्स जो है वो सेल करना दैट मीन्स क्या करना डिस इन्वेस्टमेंट करना डिस इन्वेस्टमेंट हो रहा है मतलब कि एसेट कम हो रहा है सो दिस क्लियरली मीन्स कि ये भी क्या है ये भी कैपिटल रिसीट है फिर बी पर आओ रिकवरी ऑफ लोन्स लोन्स को क्या कर रहे हो रिकवर कर रहे हो अगर देखो मैंने किसी को लोन दिया है तो वो चीज मेरे लिए क्या है असेट है असेट क्यों है क्योंकि इन फ्यूचर मुझे वो मनी वापस मिलेगा साथ ही साथ उस पर इंटरेस्ट भी वापस मिलेगा तो ये मेरे लिए क्या हुआ था कर रहे हैं. तो मेरा जो है वो क्या हो रहा है कम हो रहा है, है ना असेट so, कम हो रहा है तो इसका मतलब कि ये भी किसका पार्ट होगी कैपिटल रिसीट का पार्ट होगी ऑल राइट right? और वही अगर हम बात करें डिविडेंट डिविडेंट किसका पार्ट होता है डिडेंट जो है गवर्नमेंट की डे टू डे बिजनेस का पार्ट है डिविडेंट जो है वो रेवेन्यू रिसीट होता है ठीक है वो कैपिटल रिसीट नहीं होता है क्योंकि डिविडेंट की वजह से या लाइबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है सो डिविडेंट इज अ रेवेन्यू रिसीट एंड क्योंकि ये रेवेन्यू रिसीट है इसलिए हम क्या बोलेंगे दैट दिस इज नॉट अ सोर्स ऑफ कैपिटल रिसीट तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा योर ऑप्शन ए दैट इज डिविडेंट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ठीक है आई गेस क्लियर हो गया क्वेश्चन अच्छे से कि इनमें से क्या है जो कि कैपिटल रिसीड का सोर्स नहीं है फिर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर इन केस ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन विच वन विल बी पार्ट ऑफ इट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का इनमें से क्या पार्ट होगा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोथ ए एन बी एन नन ऑफ नीदर ए नॉर बी बहुत ही सिंपल आंसर है स्टूडेंट्स देखो जब हमारे पास में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया होता है किसमें हमारे जो न्यूमारिकल हमसे पूछने तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं हो सकता है हमारे पास में ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो तो आप ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करते हो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है आप इसमें क्या करते हो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ऐड दैट इज चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को उसे क्या करते हैं हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है जी डी सी एफ दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अब यही आपसे पूछा गया है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का क्या जो है इनमें से पार्ट होगा तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी पार्ट होगा एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी होगा क्योंकि दोनों को ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी आ गया एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी आ गया है ऑल राइट आई गेस क्वेश्चन जो है वो प्रॉपरली क्लियर है आप लोगों को फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर डैश आर रिकॉर्डेड एज नेगेटिव और डेबिट आइटम्स कैसे हम जो है नेगेटिव या फिर डेबिट आइटम्स में जो है रिकॉर्ड करते हैं इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट बोथ ए एंड बी नन ऑफ दीज एक चीज याद रखो डेबिट साइड मतलब कि वो लख, वो पर्टिकुलर आइटम्स हम लिखेंगे जिनमें हमारे पास से मनी जाता है ठीक है अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स की बात कर रहे हैं तो ऑलराइट इसमें क्रेडिट साइड में जब मनी आता है तो हम लिखते हैं और जब मनी हमारे पास से जा रहा है तो हम उसे डेबिट साइड में नोट डाउन करेंगे तो अब मनी कब जा रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर इम्पोर्ट कर रहे हैं गुड्स तो ऑब्वियसली है अगर हमने इम्पोर्ट किया दैट मीन्स हम फॉरेन कंट्री से गुड खरीद रहे हैं तो हमारी कंट्री से जो है उन गुड्स के लिए क्या करना पड़ेगा पेमेंट करना पड़ेगा तो ये जो पेमेंट किया है वो क्या है मनी हमारे पास से गया है राइट right? एंड जब मनी हमारे पास से गया है तो वो कहाँ आएगा डेबिट साइड या फिर हम नेगेटिव आइटम्स में उसे लेंगे एक्सपोर्ट्स में क्या होगा एक्सपोर्ट्स तो पॉजिटिव होंगे क्योंकि हमारी कंट्री से जो है गुड्स so अगर यहां से दूसरी कंट्री में गए तो से से क्या होगा पेमेंट किया जाएगा उसका मनी हमारी कंट्री में आने वाला है तो वो एक्सपोर्ट्स जो है वो आपके पॉजिटिव आइटम्स होंगे ऑल राइट सो आई गेस जो क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर है दैट इज ऑप्शन ए इम्पोर्ट्स इज दी करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट वाले पर आते हैं

फ्री चेकअप्स जो है वो हम लोगों ने क्या कर दिए फ्री चेकअप्स हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कर दिए लेकिन लोग जो है वो चेकअप करवाने के लिए नहीं आ रहे तो क्या वो कोई यूजफुल होगा नहीं होगा लेकिन अगर कम्युनिटी पार्टिसिपेट कर रही है तो क्या वो चीज़ यूजफुल होगी बिल्कुल होगी जो वेरियस ऑर्गेनाइज वेरियस जो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं जो वेरियस चीज़ें हैं अगर उनमें जो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन है वह अगर है तो वो सारी चीज़ें जो हैं हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये सक्सेसफुल रहा अगर वहाँ पे कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है तो क्या जो आपकी वर्कशॉप हो गया फ्री चेकअप हो गया क्या ये सक्सेसफुल है बिल्कुल नहीं है राइट right? तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो हम क्या लिखेंगे दैट वुड बी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हर एक एस्पेक्ट में हर एक चीज़ में जो है कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ठीक है अब यहाँ पर ऑल ऑफ दीज तो ऑप्शन था नहीं नन ऑफ दीज था तो दैट कि हमें इन चार में से कोई एक ही ऑप्शन चूज करना है एंड जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है जैसे कि हम लोगों ने पहले भी अपने जो इंस्ट्रक्शन है जनरल इंस्ट्रक्शन है उनमें पढ़ा कि आपके पास में क्या लिखा है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है आपको उसे आंसर करना है दैट मीन्स ऐसा हो सकता है कि जो है सारे आंसर सही हो लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएटली जो सबसे ज्यादा सही होगा हमें उसे चूज है सो दैट वुड बी और ऑप्शन सी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ठीक है फिर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 लेड एम्फ ऑन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर जॉइंट सेक्टर एंड ऑफ दीज जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था 1956 का वो क्या था इसमें बेसिकली जो सारी इंडस्ट्रीज थी उन्हें तीन जो है पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और उसे क्या बोला गया शेड्यूल ए शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी ठीक है शेड्यूल ए में क्या था शेड्यूल ए में था जो मोस्ट स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज थी यहां पर क्या आएगा स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज ठीक है ये स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज जो कि बेसिकली क्या थी पब्लिक सेक्टर ओन्ड थी यहां पर जो है ये जो शेड्यूल ए uh, है इसमें वो इंडस्ट्रीज आई थी जो कि पब्लिक सेक्टर ने क्या किया है कंट्रोल करके रखा है एंड जो शेड्यूल ए है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जो है इसका पार्ट थी फिर शेड्यूल बी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा इसे इनिशियली जो है क्या किया गया जो पब्लिक सेक्टर है वो ओन करती है और फिर जो है वो प्राइवेट हैंड्स में क्या कर देती थी इंडस्ट्रीज को दे देती थी तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा आपका जॉइंट सेक्टर आ जाएगा एक वे से हम जॉइंट बोल सकते हैं और कुछ इंडस्ट्रीज जो कि जिसमें कि पब्लिक सेक्टर को जो है इंटरवीन uh, करने की जरूरत नहीं है वो इतनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज नहीं थी वो शेड्यूल सी में रखी गई एंड दैट वर सोलली ओं बाय प्राइवेट सेक्टर ठीक है तो अब यह समझ में आया कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में जो तीन बनाए गए इन है कि, रोल उफ, पब्लिक सेक्टर क्या बताने वाले हैं तो देखो किसके रोल पर एम्फोसाइज किया गया आपको ये बताना है सिंपल सी चीज है जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज है वो किसने कंट्रोल की थी पब्लिक सेक्टर ने और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है वो

सी है एस एस आई इज कैपिटल इंटेंसिव एंड डी ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी अब अगर देखा जाए तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनमें क्या होता है उनकी जो फर्स्ट इनिशियल जो कैपिटल सेटअप होता है वो एक जो है लिमिटेड अमाउंट बोला जाता है एंड उसमें बहुत ज्यादा जो है कैपिटल इंटेंसिव गुड्स या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज़ नहीं किया जाता है वहाँ पर जो आप देखोगे कैपिटल जो मशीनरीज वगैरह है वो कम होती है ठीक है जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स है वो कम यूज़ की जाती है जो स्मॉल स्किल इंडस्ट्रीज हैं वो मेन फोकस करती है लेबर इंटेंसिव वर्क पर लेबर इंटेंसिव जो है वर्क अंडरटेक किया जाता है सो दैट मीन्स एस क्या है ये लेबर इंटेंसिव है ठीक है ये चीज़ हमें समझ में आई कि एस एस आई जो है वो लेबर इंटेंसिव होती है एस एस आई जो होती है वो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी शो करती है दैट मीन्स ऐसा नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरियाज में सेटअप होंगी और रूरल एरियाज में भी सेटअप हो जाती है राइट एंड मोस्टली हम यही देखते हैं कि छोटे छोटे कस्बों में जो है छोटे छोटे जगहों में जो है हमें जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है ठीक है तो एस एस आई जो है वो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या करती है शो करती है लेकिन एस एस आई जो होती है वो कैपट कैपिटल इंटेंसिव नहीं होती है यहां पर जो है कैपिटल इंटेंसिव वर्क कम किया जाता है एंड लेबर इंटेंसिव वर्क ज्यादा किया जाता है तो एस एस आई इज नॉट अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री ठीक है सो दैट दट कि आप करेक्ट ऑप्शन क्या बताओगे योर ऑप्शन डी दैट इज बोथ ए एंड बी ठीक है ए बी सही है बी भी सही है दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव प्लस दिस शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी ठीक फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर मशीन इज अ डैश आइटम मशीन कैसा आइटम है इनविजिबल विजिबल यूनिलेट्रल एंड नॉन ऑफ दीज सिंपल सी चीज़ है मशीन कैसा आइटम है एक मशीन है आपके सामने वो आपको दिख रही है क्या आप मशीन को देख सकते हो कोई भी एक मशीन आप इमेजिन कर लो क्या वो आपको दिख रही है यस yes. क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि मशीन इनविजिबल हो कोई भी तो भी अपनी लाइफ में कभी ऐसा देखा है है कि कोई मशीन जो कि है आपको दिख नहीं रही लेकिन वो है, है? है, right? so है? है. Okay? दिखती है कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर मशीन है right? जैसे कि एक सी ले लो रेफ्रिजरेटर फ्रिज जो होता है uh, वो क्या है वो एक काइंड ऑफ मशीन है तो एक कूलिंग मशीन है वो तो वो आपको विजिबल है कभी भी वो इनविजिबल हुई क्या नहीं हुई दैट इज विजिबल राइट सो मशीन इज विजिबल आइटम एकदम क्लियर और बहुत ही सिंपल आंसर है इसका ठीक है तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन इनविजिबल्स क्या होते हैं जो सर्विसेज होती हैं देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वो विच ऑफ ट्रू इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ऑप्शन आर प्राइवेटाइजेशन एंड डिस इन्वेस्टमेंट इज वन एंड दी सेम थिंग

प्राइवेटाइजेशन है कि किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज करना ठीक है पब्लिक से क्या कर देना उसको प्राइवेटाइज कर देना अब प्राइवेटाइज कैसे किया जाता है डिस इन्वेस्टमेंट की हेल्प से किया जाता है डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है सेलिंग ऑफ शेयर शेयर्स जो जो हैं हैं, वो सेल किए जाते ठीक है? है तो उससे जो है, क्या होता है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं डिस इन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना दोनों का मतलब अलग हुआ डिस इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन ठीक है डिसइन्वेस्टमेंट क्या है प्रोसेस होती है प्राइवेटाइजेशन की दैट मींस दोनों एकदम सेम आइडेंटिकल नहीं होते हैं right. अब बी और सी को अभी स्किप करो पहले सी वाला डी वाला ऑप्शन देखो Disinvestment is broader than ये चीज का हम नहीं बोल सकते कि क्या चीज ब्रॉडर है राइट राइटमेंट इज ब्रॉडर प्राइवेटाइजेशन इज ब्रॉडर ऐसे आप जो है कोई रिलेशन नहीं बता सकते हो इसलिए ये वाला भी जो है ये कंप्लीटली सही हम नहीं बोल रहे हैं अब आपके पास में दो जो है चीजें हैं एवरी प्राइवेटाइजेशन इज डिस इन्वेस्टमेंट हर एक जो प्राइवेटाइजेशन है वो क्या है वो डिस इन्वेस्टमेंट है दैट हर प्राइवेटाइजेशन जो है वो डिस इन्वेस्टमेंट के हेल्प से ही किया जाता है और सी ऑप्शन है आपका एवरी डिस इन्वेस्टमेंट इज प्राइवेटाइजेशन हर एक डिस इन्वेस्टमेंट जो है वो प्राइवेटाइजेशन ही होता है अब आपको इन दोनों में से बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है क्या हर एक जो प्राइवेटाइजेशन है वो डिसइन्वेस्टमेंट होता है या हर एक जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेटाइजेशन होता है बहुत ही जो है पर क्रिटिकल डिफरेंस है लेकिन आपको बहुत अच्छे से बताना होगा आपका बी ऑप्शन सही होगा क्यों होगा देखो सिंपल सी चीज समझो हर एक जो प्राइवेटाइजेशन है वो क्या है डिसइन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट का गवर्नमेंट ने क्या किया है इन्वेस्ट किया है किसी भी एक फर्म में ठीक है इन्वेस्ट किया है इन्वेस्टमेंट क्या है दैट मीन्स गवर्नमेंट के शेयर्स है वहां पर अब अगर गवर्नमेंट चाहती है कि उस पर्टिकुलर जो कंपनी है उसे क्या कर दिया जाए उसे जो है प्राइवेटाइज कर दिया जाए जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लो एयर इंडिया एयर इंडिया जो है वो पहले क्या थी वो पहले गवर्नमेंट ओन्ड थी ऑल गवर्नमेंट right, के इसमें क्या थे शेयर्स थे फिर गवर्नमेंट को लगा भाई एयर इंडिया जो है इसे हमें क्या करना है प्राइवेटाइज करना है तो गवर्नमेंट ने क्या किया यहाँ से प्राइवेटाइजेशन जो है वो स्टार्ट किया और कैसे इसे प्राइवेटाइज किया गया विद हेल्प ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट राइट कैसे डिस इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपने जो शेयर्स हैं उन्हें सेल कर दिए ठीक है सेल शेयर्स जो शेयर वो क्या कर दिए गए सेल कर दिएगा ये यह यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा था जो शेयर्स खरीदे थे जो शेयर्स थे गवर्नमेंट के वो उन्होंने सेल कर दिए सो दैट मीन्स वॉट दिस इज डिस इन्वेस्टमेंट है ना अगर डिस इन्वेस्टमेंट हो रहा है सो दैट मीन्स वॉट प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हम ये बोलेंगे कि अगर प्राइवेटाइजेशन है अगर हम बोल रहे हैं कि कोई भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है अगर वो प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो रहा है तो वो डिस इन्वेस्टमेंट उसमें हुआ है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है दैट मीन्स गवर्नमेंट का उसमें शेयर्स है और अगर उसे प्राइवेट करना है स्टूडेंट्स तो गवर्नमेंट क्या करेगी अपने शेयर्स को सेल कर देगी तो अगर हम बोल रहे हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर जो है सेक्टर या कोई भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो है वो प्राइवेट टाइज uh, की गई है या वो प्राइवेट बना दी गई है सो दैट मीन्स की गवर्नमेंट ने वहां पर क्या किया है डिस इन्वेस्टमेंट क्या है तो अगर जो हर एक जो uh, क्या होता है हर एक जो आपका प्राइवेटाइजेशन uh, है दैट इज बिकॉज ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट या फिर हम बोलेंगे एवरी प्राइवेटाइजेशन इज डिस डिस इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट हर एक प्राइवेटाइजेशन क्या है Disinvestment है लेकिन जरूरी नहीं है कि हर डिस इन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन है जैसे कि एक सिंपल सी बात ध्यान रखो अगर गवर्नमेंट को इस एयर इंडिया को क्या करना है प्राइवेटाइज करना है तो गवर्नमेंट के लिए जरूरी है कि वो फिफ्टी वन परसेंट शेयर क्या करे सेल करे एट लीस्ट फिफ्टी वन शेयर जो है वो सेल करने पड़ेंगे ठीक है अब 51 जो परसेंट है शेयर्स के वो सेल कर दिए वो डिस इन्वेस्टमेंट हो गया मान लो गवर्नमेंट ने कोई अपनी गवर्नमेंट ले लो कोई भी एक प्राइवेट फर्म ले लो मान लो कि किसी ने भी जो है अपनी जो भी एक इंडस्ट्री है उसके कुछ शेयर्स क्या किए सेल किए मान लीजिए गवर्नमेंट का कहीं पर जो है कोई सी एक इंडस्ट्री है जो कि उनकी ओन्ड है उन्हें लग रहा है कि यार थोड़े जो है मनी की जरूरत है तो हम थोड़ा सा इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी घुसा लेते हैं मतलब तो कि प्राइवेट सेक्टर को भी जो है एंटर करवा लेते हैं और कुछ शेयर सेल कर देते हैं इनके पास में हंड्रेड परसेंट शेयर्स थे इनने बोला कि अपन जो है फोर्टी परसेंट शेयर्स को क्या कर देते हैं सेल कर देते हैं ठीक है अब फोर्टी परसेंट शेयर्स को अगर सेल कर रहे हैं तो क्या ये डिस है देखो डिस तो है ना क्या किया गया इन्वेस्टमेंट जो है उसे सेल कर दिया डिस इन्वेस्ट कर दिया लेकिन अगर सिर्फ 40% परसेंट शेयर को सेल कर रहे हैं तो उसकी वजह से वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री प्राइवेटाइज नहीं होगी राइट right? अगर उसे प्राइवेटाइज करना है तो 51 परसेंट एटलीस्ट 51 परसेंट सेल करना पड़ेगा दैट मींस अगर 41 परसेंट का पर सेल हुआ है सो दिस इज डिस इन्वेस्टमेंट लेकिन दिस इज नॉट प्राइवेटाइजेशन राइट सो एवरी डिस इन्वेस्टमेंट इज प्राइवेटाइजेशन ये चीज क्या है गलत है क्योंकि हर एक डिस इन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन हो ये जरूरी नहीं है ठीक है कुछ डिस इन्वेस्टमेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा है लेकिन जो हर एक प्राइवेटाइजेशन है प्राइवेटाइजेशन का सीधा सा मतलब यही होता है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग में कन्वर्ट करना तो अगर कोई भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है सो दैट शुड बी डन या दैट है अंडरटेकन बिकॉज ऑफ

तो वहां पर डिस इन्वेस्टमेंट की ही जरूरत लगेगी सो एवरी प्राइवेटाइजेशन इज डिसमेंट बट एवरी क्लियर हो गई है क्योंकि अगर अगर कुछ कुछ जो है है, परसेंटेज भी अगर इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो उसे भी जो है डिस इन्वेस्टमेंट ही कहा जाएगा ऑल राइट सो आई गेस जो क्वेश्चन है वो अच्छे से आप लोगों को क्लियर है दैट द करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन बी फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर डैश शोन बाय नॉमिनल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी जो है वो क्या शो करता है चेंज इन प्राइस ओनली चेंज इन आउटपुट ओनली बोथ ए एंड बी नीदर ए नॉन बी नॉमिनल जीडीपी क्या होता है ऐसा जीडीपी जो कि करंट ईयर के प्राइजेस पर कैलकुलेट किया गया हो है ना तो इसमें क्या आएगा करेंट ईयर के प्राइजेस आते हैं और करेंट ईयर का आउटपुट आता है वही इसका जो है कंट्रारी एक और चीज हम क्या पढ़ते हैं दैट इज रियल जीडीपी रियल जीडीपी क्या होता है ऐसा जीडीपी जो कि कैलकुलेट किया जाता है बेस ईयर के प्राइजेस पर एंड करेंट ईयर के आउटपुट पर ठीक है यहाँ पर जो आपका रियल जी होता है उसमें जो प्राइजेस होते हैं वो कोई हमें कॉन्स्टेंट प्राइजेस लेते हैं प्राइजेस में चेंजेस हम कंसिडर नहीं करते तो जो रियल जी है वो बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ किसमें चेंज बताता है करेंट ईयर के आउटपुट में कितना चेंज हुआ है ये बताता है लेकिन जब हम नॉमिनल जी की बात करते हैं तो इसमें जो आपका ये जी है ये अफेक्ट होता है प्राइस से भी और आउटपुट से भी हो सकता है कि आउटपुट जो है वो चेंज नहीं हुआ सिर्फ प्राइस चेंज हुआ इसलिए जी आपको चेंज होता हुआ दिखाओ या दोनों चीजें हैं कि दोनों चेंज हुए हों ठीक है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हुए हों ऐसा भी हो सकता है कुछ भी चीज जो है वो पॉसिबल है लेकिन अगर हम बात करें कि नॉमिनल जी में हमें आंसर क्या लिखना है चेंज इन प्राइस ओनली क्या सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज देखता है नहीं आउटपुट में भी चेंज जो है वो कंसिडर किया जाता है इन नॉमिनल जीडीपी मतलब कि अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्राइस चेंजेस भी आएगा और यहाँ पर आउटपुट चेंजेस भी आएगा दैट मींस ए और बी दोनों ही क्या है दोनों ही सही है सो अल्टीमेटली और करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी दैट इज बोथ ए एंड बी दैट इज नॉमिनल जी Uh, shows the change in price and change in output both. ठीक? next वाले पर चलें. Commercial bank was facing some financial crisis due to, uh, due to the crisis of non-performing assets. It went to RBI for help. What role will R RBI play? इन सच केस क्या बोला गया कि कोई कमर्शियल बैंक है वो कौन से कैसे जो है क्राइसिस uh, फेस कर रही थी फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रही थी और क्यों क्योंकि कुछ जो है नॉन परफॉर्मिंग की वजह से ठीक है कुछ जो क, कुछ लोगों को कुछ जो है इंस्टीट्यूट को या लोगों को कुछ कस्टमर्स को कमर्शियल uh, बैंक ने क्या किया है लोन दिया है बट उन लोगों ने जो है वापस उसे पे नहीं किया है वो रीपे नहीं कर रहे हैं तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वजह से जो कमर्शियल बैंक है उसके पास में क्या है? गया, हो गया फाइनेंशियल क्राइसिस अराइज हो गए ठीक है वो फाइनेंशियली जो है उन्हें जो पैसे हैं उनकी जरूरत है किसे कमर्शियल बैंक को तो ऐसे केस में कमर्शियल बैंक जाती है किसके पास में सेंट्रल बैंक के पास में तो सेंट्रल बैंक कौन सा अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है हमें ये बताना है ऑप्शंस आर इट एक्टेड एज द रेगुलेटर ऑफ द कमर्शियल बैंक बी इज इट एक्टेड एज अ बैंकर टू द कमर्शियल बैंक सी it acted as a supervisor to the commercial bank and d it acted as lender to last resort ab yahan par kya hua commercial bank gayi central bank ke paas mein RBI के पास में right. तो RBI क्या करेगी financial crisis है तो RBI क्या करेगी RBI जो है

ठीक है अब एस बी आई के अगर कोई क्राइसिस है तो वो पहले जाएंगी दूसरी बैंक के पास में लेट्स बैंक ऑफ बड़ौदा के पास में ये गई बैंक ऑफ इंडिया के पास में ये गई ठीक है बी ओ आई के पास में गई देन एक्सिस बैंक के पास में गई अब मान लो कि इन सब ने जो है मना कर दिया कि नहीं यार हम पे नहीं करेंगे आपको आप ऑलरेडी जो हो क्राइसिस में हो NPA हो एनपीए रखा है नॉन परफॉर्मिंग जो है ये हो रखे हैं कोई भरोसा नहीं है भाई अगर आपका जो है अगर बहुत ज्यादा डेट्स बढ़ जाए तो क्या पता हमारे पैसे भी डूब जाए तो ऐसे केस में इन जो दूसरे इनकी बैंक थी उन्होंने हेल्प नहीं किया तो एट दी एंड एस बी आई ने क्या किया एट दी एंड एस बी आई ने बोला कि अब छोड़ो यार हम चलते हैं सेंट्रल बैंक के पास में वो हमारे पिताजी हैं वही हमें क्या करेंगे वही जो है हम हमारी हेल्प करने वाले हैं ठीक है थीके? अगर हमें कोई जो है ऐसी कुछ जरूरत होती है जिसमें हमें लगता है कि यार पापा के पास ना जाएं पहले जो है अपने दोस्तों से पूछ ले तो बस वही चीज़ किया एस ने क्या किया पहले अपने दोस्तों से पूछा हम भी जो सेम चीज़ करते हैं कि पहले हम दोस्तों से पूछते हैं कि भाई तेरे पास है क्या यार टेन थाउजेंड की जरूरत है दे दे तेरे पास है क्या हम मैं वन मंथ में रिटर्न कर दूंगा इतने मैं रिटर्न कर दूंगा उतने मैं रिटर्न कर दूंगा लेकिन एट दी एंड अगर सब मना कर दे तो फिर हमें अगर बहुत नेसेसिटी तो हम किसके पास जाएंगे अल्टीमेटली जाएंगे पापा के पास में कि भाई पापा ऐसी ऐसी बात है ज़रूरत है ये वो तो बस सेम चीज़ जो SBI है वो क्या की जो कमर्शियल बैंक है वो क्या हुआ वो गई एट द एंड RBI के पास में उनके पिताजी के पास में कि हमें जो है हेल्प कर दो तो ऐसे केस में RBI जो है उसने अपना कौन सा फंक्शन जो है वो यहां पर परफॉर्म किया क्या वो एज अ रेगुलेटर वर्क करी एज अ बैंकर वर्क करी एज अ सुपरवाइजर वर्क करी या फिर एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट वर्क करी अब इतना पूरा एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि यहाँ पर आंसर क्या होगा सबसे पहले क्या हुआ सारी जगह पर एस बी आई घुमाई एट दी एंड लास्ट ओके एज अ लास्ट रिसोर्ट किसके पास में गई आरबीआई के पास में कि अब बस आप ही बच्चे हो आप हेल्प कर दो हमारी सो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट जो है वो आरबीआई अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी आरबीआई यहाँ पर रेगुलेटर नहीं है ना ही आरबीआई पर बैंकर है और ना ही आरबीआई यहाँ पर सुपरवाइजर आरबीआई ये नहीं बोलेगी अच्छा क्राइसिस हो गए ऐसा ऐसा करो ये ये पर्टिकुलर चीज करो ऐसे कोई सुपरवाइज नहीं कर रही है ठीक है आरबीआई के पास में हम फाइनेंशियल दैट इज जो कमर्शियल बैंक है वो फाइनेंशियल हेल्प के लिए गई है आरबीआई आरबीआईल हेल्प कर रही है दैट मीनस दिस इज द फंक्शन लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट ठीक है तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा योर ऑप्शन डी दैट इज इट एक्टेड एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट ऑल राइट आई गेस क्वेश्चन क्लियर है देखो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको कोई एक केस दे दिया जाए बताओ कि इसमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है ठीक है तो थोड़ा सा क्या करना है आपको आपका माइंड यूज करना है और आपको जो है आंसर मिल जाएगा दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन डी फिर आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर व्हिच सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर बॉट एंड सोल्ड इन मार्केट एंड बेयर प्राइस वो एनर्जी सोर्सेज जो कि बॉट या सोल्ड किए जाते हैं मार्केट में और उन पे जो है कुछ प्राइजेस भी होते हैं ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को क्या कहा जाता है ऑप्शन आर कमर्शियल सोर्सेज नॉन कमर्शियल सोर्सेज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज एंड ऑल ऑफ दी दब देखो बहुत ही सिंपल है जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है हमारे पास में हमने क्या किया हमने एनर्जी को यूज किया और उसे यूज करने के लिए हम कर रहे हैं पेमेंट तो उस पर्टिकुलर को हम क्या बोलते हैं वो कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज अ कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी ठीक है जो कमर्शियल सोर्सेज होते हैं एनर्जी के वो आ, उनकी जो है कुछ प्राइजेस होती हैं और वो जो है खरीदे बेचे जाते हैं मार्केट में ठीक है ऑप्शन ए ठीक है फिर आते हैं नेक्स्ट वाले पर अब इसमें अगर नॉन कमर्शियल सोर्सेज की बात करूं तो क्या हो गया सनलाइट सनलाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हम अगर उससे कुछ कर रहे हैं तो वो जो है हमें उसके लिए पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है ठीक है वी आर नॉट पेइंग दी सन की अच्छा आपने हमें सनलाइट प्रोवाइड की तो आप ये लीजिए अपना पेमेंट ये हम नहीं करते दैट इज नॉन कमर्शियल जिसकी कोई प्राइजेज नहीं होती है जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है जो नेचर हमें प्रोवाइड करती है ठीक है फिर आते हैं नेक्स्ट पर व्हाट इज द सर्कम व्हेन वेन एग्रीगेट आउटपुट इज डिटरमाइंड सोलली बाय द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड कॉल्ड ठीक है ऐसा सर्कमस्टेंस बताओ जब हम क्या बोल रहे हैं कि जो एग्रीगेट आउटपुट है वो सोलली कैसे डिटरमाइन किया जाता है विद लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड ठीक है मतलब कि जो लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड है उसके बेसिस पर हम बता रहे हैं कि इतना एग्रीगेट आउटपुट है ठीक है सोलली सिर्फ और सिर्फ अगर इस पर बेस्ड होता है तो उसे हम कौन सा पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस या उसे हम क्या कहते हैं ऑप्शन आर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बी है आपका इफेक्टिव डिमांड सी है आपका propensity to consume and D है आपका propensity to save. Correct option would be effective demand. अब वैसे तो guess कि आपको यह आंसर पता होगा लेकिन अगर नहीं पता है तो देखो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज करो प्रोपेंसिटी टू सेव क्या बताती है चेंज इन सेविंग्स डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम ये रिलेटेड नहीं है

means जब एग्रीगेट डिमांड की हेल्प से हम क्या बताते हैं कि इतना जो है एग्रीगेट आउटपुट है इकोनॉमिक का तो उस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड दैट मींस आउटपुट के इक्वल क्या हो जाती है आपकी डिमांड हो जाती है भाई जितना आउटपुट है उतनी डिमांड हो रही है वो होती है आपकी इफेक्टिव डिमांड ठीक है फिर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर

किस में लेते हैं वो हम कैपिटल साइड में लेते हैं है ना सो दिस इन्वेस्टमेंट कौन सी रिसीट होगी दिस इन्वेस्टमेंट इज अ कैपिटल रिसीट दैट मींस आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा योर ऑप्शन बी दैट इज कैपिटल ऑलराइट एकदम इजी क्वेश्चन था एंड आई गेस कि इस क्वेश्चन में तो आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा कि डिस इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल रिसीट कैसी हुई है ठीक है फिर चलते हैं आगे अंडर फॉरन एक्सचेंज रिफॉर्म इंडियन रुपी वॉज डी वैल्यूड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरन एक्सचेंज रिफॉर्म के अंडर जो अपना रुपी है इंडियन रूपी है वो डी वैल्यू किया गया था क्यों किया गया था उसके पीछे के क्या रीजन थे किस मोटिव से किया गया था डी वैल्यू सो ऑप्शन आर इंक्रीज प्राइज ऑफ एक्सपोर्ट्स बी इज इंक्रीज प्राइज ऑफ इम्पोर्ट्स सी इज डिक्रीज प्राइज ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड डी क्या है हमारा बोथ बी एंड सी अब देखो देखा जाए तो ये क्वेश्चन कहाँ का है हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आया है लेकिन इसको आपको कनेक्ट कहाँ से करना है जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर है इन माइक्रो इकोनॉमिक्स उससे राइट right? उसमें जो है हमने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो बस आपको यही करना होता है स्टूडेंट्स कि आपके हर एक चैप्टर को हर एक टॉपिक को जो है एक दूसरे से लिंक करो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को माइक्रो इकोनॉमिक्स से माइक्रो इकोनॉमिक्स को माइक्रो से इंडियन इकोनॉमिक से इन सबसे जो है लेट करके पढ़ो ताकि चीजें जो हैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर रहे ठीक है अब क्वेश्चन पर आते हैं कि डी वैल्यू करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या होगा डी वैल्यू करने से होगा क्या ये चीज हम सबसे पहले तो बताएं तो देखो डी वैल्यू करना डी वैल्यूएशन करना उसका मतलब क्या हो गया उसका एक एग्जांपल ले लें मान लीजिए एक डॉलर जो है वो कितने रुपए के बराबर है वो है सेवेंटी रुपी के बराबर ठीक है दैट मीन्स अगर हमें एक डॉलर चाहिए तो हमें सेवेंटी रुपीज खर्च करने पड़ेंगे ठीक है सेम चीज अगर मैं इनके साइड से देखूं तो इनके हिसाब से क्या होगा कि एक डॉलर खर्च करके उन्हें सत्तर रुपए जो है वो मिल जाएंगे ऑल राइट right. अब हुआ है क्या डी वेलुएशन. किसका इंडियन रुपी का सो so, डी हुआ है इसका मतलब हम बोलेंगे कि एक डॉलर इज इक्वल्स टू एट्टी रुपीज ठीक है दैट से ज्यादा मनी हमें पे करना पड़ रहा है अब हमारे लिए ये सिंपल सी जो चीज होती है ना उसको ऐसे समझो devaluation, मतलब कि हमारे लिए नुकसान ठीक है इस वे से लेना कि मतलब क्या हमारे लिए नुकसान हम अपनी जो करेंसी उसकी वैल्यू को कम कर रहे हैं लेकिन आप बोलोगे मैडम यहां पर तो इंक्रीज हुई है जिन जिन लोगों को जिन स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं वो ध्यान से सुनो कि क्या करना है ठीक है इधर जो है करेंसी मतलब कि 70 से 80 तो हम जा रहे हैं लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे लिए लॉस है लॉस कैसे है भाई मान लो जो एक डॉलर है वो क्या है वो कोई गुड है ठीक है कोई गुड है एक डॉलर का अब पहले जो है हमें वो गुड खरीदने के लिए दैट मीन्स एक डॉलर खरीदने के लिए सेवेंटी रुपीज ही स्पेंड करने पड़ रहे थे अब हमें कितने स्पेंड करने पड़ रहे हैं एट्टी रुपीज स्पेंड करने पड़ रहे हैं दैट मीन्स हमारे लिए जो चीजें हैं जो सेम वही एक डॉलर है वो क्या हुआ महंगा हो गया है राइट सो so, इसे कहते हैं डी वैल्युएशन हमारे लिए क्या है हमारे लिए ये लॉस है ना हमारे लिए तो ये क्या है लॉस है और लॉस है इट मींस क्या है डी है अगर इसी की जगह पर मैं बोल दूं कि जो इंडियन रुपी है उसकी वैल्यू कितनी हो गई सिक्सटी हो गई तो देखा जाए तो सेवेंटी से सिक्सटी ऐसे तो हम कम कर रहे हैं वैल्यू कम आ रही है अगर ऐसा आप लॉजिक लगा रहे हो तो लेकिन ये बात गलत है क्योंकि देखो पहले सेवेंटी रुपीज में एक डॉलर आ रहा था अब सिक्सटी रुपीज में एक डॉलर आ रहा तो हमारे लिए तो प्रॉफिट है ना हमारे लिए डॉलर सस्ता हो गया लेकिन हमें प्रॉफिट नहीं बताना हमें डीवेलुएशन देखना है तो डी में सीधी सी बात समझो वैल्यू कम हुई है मतलब हमारे लिए लॉस है ठीक है तो लॉस कब होगा जब हमारी जो हमें जो है ज्यादा मनी पे करना पड़ रहा है ज्यादा रुपी पे करना पड़ रहा है वही अगर मैं इनके साइड से देखूँ ठीक है या अगर मैं जो हूँ यूएस के साइड से देखू तो उनके लिए तो क्या हुआ ये चीज अच्छी हुई क्योंकि पहले उन्हें एक डॉलर में सेवेंटी थे अब वही सेम एक डॉलर में एट्टी रुपीज मिल रहे हैं राइट अब ये समझ लो कि ये भी क्या है एक गुड है ठीक है तो एक इक्वल्स टू वन यूनिट ऑफ गुड समझ लीजिए तो एक डॉलर में पहले सत्तर यूनिट मिल रहे थे अब वही सेम एक डॉलर में एट्टी यूनिट्स मिल रहे हैं तो ये जो यूएस वाले हैं उनके लिए क्या हुआ उनके लिए ये चीज प्रॉफिटेबल हुई राइट right? क्योंकि उनके लिए जो है चीजें हमारी जो चीजें वो क्या हो गई है सस्ती हो गई है ओके okay? अब उन्हें वही अब उन्हें जो है कम जो है उनका डॉलर स्पेंड करके ज्यादा रुपी मिल जाता है तो उनके लिए ये प्रॉफिटेबल चीज है ऑल राइट right. और हमारे लिए क्या था ये लॉस था अब आप बोलोगे मैडम ऐसा क्यों किया होगा गवर्नमेंट ने है ना ये जो जब हमारे लिए ये लॉस है तो फिर गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है कि हमारी जो रुपए है उसको डिवेल्यू करवाती है उसके पीछे सिंपल सा रीजन है स्टूडेंट्स देखो ऑब्जेक्टिव समझो इंक्रीज प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स इंक्रीज प्राइज ऑफ इम्पोर्ट्स डिक्रीज प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स इसमें से हमें बताना है ठीक है ऑप्शन क्या सही होने वाला है अब हमारी इकोनॉमी उस टाइम पर क्या फेस कर रही थी हमारी इकोनॉमी में इंपोर्ट्स थे ज्यादा और एक्सपोर्ट्स क्या थे एक्सपोर्ट्स थे कम राइट यही चीज हो रही थी कि हम जो हैं बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे थे इंपोर्ट्स पर और उतने जो है हमारे गुड्स एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे थे अब क्या हुआ इस चीज को समझते हैं जब हमारे लिए क्या हुआ डॉलर महंगा हो गया रुपए जो है वो डीवैल्यू करती गई पहले 70 रुपए का था Uh, क्या पहले सत्तर रुपए में हमें एक डॉलर मिलता था मान लीजिए इस पर्टिकुलर प्राइस पर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं ठीक है इम्पोर्ट कितना कर रहे हैं वो चीज़ समझते हैं मान लीजिए हम इम्पोर्ट कर रहे हैं दो यूनिट्स को कोई भी गुड की दो यूनिट समझो जिसकी पर यूनिट की प्राइस है सेवेंटी रुपीज ठीक है सेवेंटी रुपीज़ पर यूनिट की प्राइस है तो अगर मैं यूएस से कोई गुड बुला रही हूं जिसका 70 रुपी पर यूनिट प्राइस है तो दो यूनिट को खरीदने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे जो है वन फोर्टी रुपीज स्पेंड करना पड़ेगा ठीक है वन फोर्टी रुपीज क्या करना पड़ेगा स्पेंड करना पड़ेगा और इसे रुपीज से मत लीजिए यहां पर डॉलर लिखिए, ठीक है ऐसे में तो और कंफ्यूजन हो जाएगा ये है वन डॉलर का ठीक है वन डॉलर पर पर यूनिट यूनिट जो है वो वन है वो डॉलर का तो अगर मुझे दो डॉलर दो यूनिट चाहिए तो मैं क्या करूंगी वन फोर्टी रुपीजेंड करूंगी अब वही चीज जब 80 का क्या बन गया एटी रुपीज का जब हमारा जो है एक डॉलर अगर बन गया है तो फिर ऐसे केस में अगर मुझे सेम दो यूनिट खरीदने हैं जो कि वन रुपी पर डॉलर का है तो ऐसे सॉरी वन डॉलर पर यूनिट का है तो ऐसे केस में मुझे कितना स्पेंड करना है अब मुझे स्पेंड करना है राइट right. कितने करेंगे? हम 160 करेंगे. हम कर रहे हैं. एक चीज हम लोग पढ़कर आए हैं कहां पर? अपनी में. का जब होता है, क्या होती है डिक्रीज होने लगती है हमारे लिए प्राइस इंक्रीज हुआ ना पहले हम 140 में ही दो यूनिट्स खरीद रहे थे अब हम 160 में दो यूनिट्स खरीद पा रहे हैं तो प्राइजेस क्या हुए बढ़े प्राइजेस बढ़े तो हम क्या करेंगे डिमांड को करेंगे कम कौन से डिमांड को जो इम्पोर्टेड डिमांड है जो इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड है तो ऐसे केस में ये जो इंपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं ये कम हो जाएंगे ये थोड़े इक्विटेबल पर आएंगे ठीक है तो अब जो है अगर डीवेल्युएशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा इम्पोर्ट जो है वो डिक्रीज होंगे ठीक है अगर मैं इंपोर्ट से रिलेटेड यहाँ पर चीजें देखूं जो ऑप्शंस गिवन है इंक्रीज प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट इंक्रीज प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स एंड्रीज प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अभी यहां पर प्राइस से रिलेटेड दिया है ठीक है इम्पोर्ट से रिलेटेड हम लोग देख रहे हैं अभी तो इंपोर्ट वाला जो हमारा ये है ऑप्शन है उसे देखिए इंक्रीज प्राइस ऑफ इंपोर्ट क्या इंपोर्ट का प्राइस बढ़ा पहले वन फोर्टी इंपोर्ट का प्राइस बढ़ा बिल्कुल बढ़ा राइट right? सो so, देखो डिवेल्यूशन से क्या हुआ जो प्राइजेस है इम्पोर्ट के वो इनक्रीज हो रहे हैं और इसी ऑब्जेक्टिव से एक इम्पोर्ट से रिलेटेड अगर देखें तो एक उस ऑब्जेक्टिव से क्या किया गया डिवेल्यूएशन किया गया था ताकि जब इम्पोर्ट के प्राइस बढ़ेंगे तो जो हमारे कंट्री के लोग हैं वो इम्पोर्टेड गुड्स को कम खरीदेंगे एंड डोमेस्टिक गुड्स को खरीदेंगे ज्यादा क्योंकि हमें हमें क्या करवाना था? हमें को करवाना था था डोमेस्टिक डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज को ग्रो तो तभी ग्रो कर सकती है जब हम वहां के हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के गुड्स को डिमांड करेंगे अगर हम डिमांड नहीं करेंगे तो वो सप्लाई नहीं करेंगे और सप्लाई नहीं करेंगे इट मींस वो प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे और अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो ग्रो कैसे होगी तो डोमेस्टिक इकोनॉमी को ग्रो करवाने के लिए इम्पोर्ट्स को जो है रोकना जरूरी था और इम्पोर्ट्स को जो है कम करने के लिए ही क्या किया जो डिवेल्यूएशन है वो किया गया ये तो हो गया इंपोर्ट से रिलेटेड अब आ जाओ एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीज पर एक्सपोर्ट बढ़ाने थे क्या क्या हमारी कंट्री चाह रही थी कि ये जो एक्सपोर्ट से इंक्रीज कर दिया जाए बिल्कुल चाह रही थी

हमारे यहां से जो है दो यूनिट्स ही क्या जा रहे हैं दो यूनिट्स ऑफ गुड्स क्या किए जा रहे हैं एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं ठीक है अब हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीज देख रहे हैं ठीक है एक्सपोर्ट्स हो रहा है एक्सपोर्ट हो रहा है कितना दो यूनिट का मान लो पर यूनिट जो है प्राइस कितना है सेवेंटी जो है वो पर यूनिट का क्या है प्राइस ऑल राइट right. तो जब ऊपर वाली कंडीशन देखना $1 70 रुपी था, तो एक वाले को कितना है उसे वन पे करने लेकिन अगर वो एट्टी रुपीज के हिसाब से पे कर रहा है तो कितना हो गया वन सिक्सटी रुपीज हो गया ठीक है दैट मीनस ट्वेंटी रुपीज उसके बच रहे दो डॉलर में से भी राइट सो so, दो डॉलर से कम जो है वो क्या करेगा पेमेंट करेगा राइट दो डॉलर से क्या करना है उसको दो डॉलर से कम का पेमेंट करना होगा राइट लेस देन टू डॉलर तो अब उसके लिए चीजें सस्ती हुई वापस डिमांड का हमारा जो कंसेप्ट है वो हम रिवाइज कर लें जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होती है और जब प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड बढ़ती है यहां पर प्राइस डिक्रीज हुआ है तो प्राइस डिक्रीज हुआ, तो हुआ है तो क्या होगी डिमांड बढ़ेगी एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज होंगे और एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे तो इसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है वो भी इंक्रीज होंगी वो ग्रो करेंगी ठीक है और यही जो है हम लोग चाहते थे उस टाइम पर कि हमारी डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है वो क्या हो वो ग्रो हो ठीक है तो तो अब अगर देखा जाए तो प्राइस से रिलेटेड अगर हम देखें तो हमने क्या देखा कि क्या हो रहा है? हो रहा है. देखो ए वाला बोल रहा है इंक्रीज प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड सी बोल रहा है डिक्रीज प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स तो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है दैट इज डिक्रीज ठीक है सो डिक्रीज प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स जो है हमें देखने को मिल रहा है ओके सो दैट मीन्स कि बी और सी ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों ही आपके डी वेल्युएशन के ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के अंडर जो डीवेल्युएशन किया गया था उसके बी और सी दोनों ही क्या है ऑब्जेक्टिव है सो so अल्टीमेटली इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा और ऑप्शन डी दैट इज बोथ बी एंड सी ऑल राइट आई गेस क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और इसीलिए मैंने बोला कि ये किससे रिलेटेड है ये हो गया हमारा फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड वाला राइट right? कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का होकर भी फॉरेन एक्सचेंज से क्या हो गया ये रिलेटेड हो गया है ऑल राइट सो आई गेस जो क्वेश्चन है वो अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया है फिर चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर इन अ सिस्टम ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय फोर्सेज ऑफ मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई बोथ ए एंड बी नन ऑफ दिस क्या बोला गया कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वाले सिस्टम में जो एक्सचेंज रेट है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है ऑप्शंस आर मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई बोथ ए एंड बी नन ऑफ दिस सबसे पहले तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता क्या है ऐसा एक्सचेंज रेट सिस्टम जिसमें कि जिसमें कि मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई की हेल्प से जो एक्सचेंज रेट है वो डिटर्माइन किया जाता है राइट इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं फिक्सड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है जिसमें कि हम बोलते हैं कि ये जो है इसमें गवर्नमेंट जो है वो फिक्स करती है क्या एक्सचेंज रेट जिस पर जो है दो करेंसी एक्सचेंज होगी फिर फ्लेक्सिबल आता है जिसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है ना आरबीआई का कोई इंटरवेंशन होता है यहाँ पर जो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है उन्हीं की हेल्प से क्या किया जाता है उन्हीं की हेल्प से जो है आपका एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाता है एंड इसके अलावा थर्ड वाला कौन सा आता है मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम उसमें क्या होता है उसमें मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई के फोर्सेस भी होते हैं साथ ही साथ आर भी होती है राइट right? आरबीआई जो है एक डिजायर्ड लेवल के अंदर क्या करती है एक डिजायर्ड लेवल के अंदर जो है आपका एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करती है ठीक है दैट मीन्स डिमांड एंड सप्लाई से होता है उसमें डिटरमाइन बट जो डिजायर्ड लेवल है वो रहेगा बिटवीन वॉट बिटवीन जो आरबीआई

ठीक है आई होप सो कि क्वेश्चन जो है वो क्लियर है उसके बाद में आगे चले नेक्स्ट पर द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड अंडर किस थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी आर जो इम्पैक्ट है किसका एक्सेस डिमांड का किसके किस में बता रहे हैं हम किनिजियंस थ्योरी के हिसाब से इकोनॉमी पर वो क्या होगा डिक्रीज इन इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल ऑप्शन है डिक्रीज इन नॉमिनल इनकम बट नो चेंज इन रियल आउटपुट सी है आपका डिक्रीज इन इनकम आउटपुट सॉरी इंक्रीज़ इन इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल एंड ऑप्शन है नो चेंज इन आउटपुट एम्प्लॉयमेंट बट इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल अब सबसे पहले तो समझो कि क्या है एक्सेस डिमांड ठीक है एक्सेस डिमांड दैट मीनस एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ये चीज को ध्यान रखना है किसके हिसाब से बोल रहे हैं हम हम किनिजियंस थ्योरी के हिसाब से बोलना है हमें तो किनिजियंस थ्योरी में जो हम एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई है बताते हैं वो क्या बताते हैं कि एडी और ए एस के बीच का रिलेशन एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ठीक है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब क्या होता है कि आपकी इकोनॉमी के जितने भी रिसोर्सेज है वो फुली एम्प्लॉयड है कोई भी रिसोर्सेस आइडियल नहीं है ठीक है सारे रिसोर्सेस क्या है फुली एम्प्लॉयड आपको मिलेंगे सो नाउ एडी इज मोर देन एस एट फुल एम्प्लॉयमेंट ये चीज हो गई अब तीन चीजें ले लो एक हो गया आपका आउटपुट एक हो गया एम्प्लॉयमेंट एंड वन इज जनरल प्राइस लेवल इस पर क्या इफेक्ट है आपको ये बताना है ठीक है सबसे पहले आउटपुट की बात करते हैं अब नॉर्मली अगर देखा जाए तो भाई अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ा देंगे जो प्रोड्यूसर्स है वो प्रोडक्शन ज्यादा करने लगेंगे ये नॉर्मल सिनेरियो में बात कर रही हूं ठीक है फुल एम्प्लॉयमेंट में बात नहीं कर रही हूँ क्या हो रहा है नॉर्मल सिनेरियो में कि अच्छा डिमांड बढ़ रही है तो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो अपनी सप्लाई भी इंक्रीज कर देंगे कि चलो ठीक है डिमांड के साथ साथ में सप्लाई बढ़ा दो लेकिन लेकिन क्या हो रहा है जो इकोनॉमी वो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पर है दैट मींस जितने रिसोर्सेज हैं वो फुली एम्प्लॉयड हैं वो सारे जो रिसोर्सेज हैं वो जितने यूज हो सकते हैं उतने यूज हो रहे हैं कोई भी पर्टिकुलर रिसोर्स नहीं है जो कि आइडियल छोड़ा गया हो ऑलराइट राइट right. तो जब सारे रिसोर्सेज जो हैं वो अगर फुली एम्प्लॉयड है तो आप और सप्लाई कैसे बढ़ाओगे क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो और ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता है जितने रिसोर्स है उनसे जितना प्रोडक्शन हो रहा है सिर्फ उतना ही हो सकता है तो दैट क्लियरली मीन की आउटपुट जो है वो इंक्रीज नहीं होने वाला है तो क्या ये डिक्रीज होगा नहीं देर विल बी नो चेंज ठीक है तो आउटपुट में क्या होगा आउटपुट में नो no चेंज देखने को मिलेगा

तो वह सभी लोग जिसे काम करना है वो लोग काम कर रहे हैं सो दैट क्लियरली मीन्स कि कोई भी ऐसा जो है लेबर फोर्स हमारे पास में नहीं है जो कि एम्प्लॉयड नहीं है सभी लोग एम्प्लॉयड है तो ऐसे केस में जो है फुल एम्प्लॉयमेंट भी या हम बोले कि जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो भी आप इंक्रीज नहीं कर सकते हो ऑब्वियस सी बात है आप डिक्रीज भी नहीं करोगे है ना तो क्या एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा एम्प्लॉयमेंट में भी नो no चेंज रहेगा फिर आती है प्राइस की बात अब प्राइस पर क्या होगा अब सिंपल सी बात है कि मान लो एक प्रोडक्ट है उसकी डिमांड है कितनी 50 यूनिट्स की और सप्लाई है उसकी 30 यूनिट्स की ठीक है तो अब अगर ऐसा केस है तो जो 20 यूनिट्स की एक्सेस डिमांड है उसमें क्या होगा उसके लिए जो प्राइजेज है वो बढ़ा दिए जाएंगे क्यों बढ़ाए जाएंगे जो एक सप्लायर वो सिंपल सी चीज सोचेगा ना कि भाई मेरे पास में सिर्फ तीस यूनिट है और पचास लोग जो हैं वो इसको डिमांड करने वाले हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इन पचास में से तीस ऐसे होंगे ही होंगे जो कि जो कि आपकी हाई प्राइजेस पर चीजों को खरीद ले राइट तो एक सप्लायर क्या करेगा सप्लायर सोचेगा यही मौका है अपन अच्छे से प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं वो प्राइजेस को बढ़ा देगा ताकि जो 50 में से एटलीस्ट 30 तो ऐसे उसको मिल ही जाएंगे जो चीजें खरीद लेंगे तो वो कर लेगा प्रॉफिट अर्न राइट सो सिंपल जी चीज है जो प्राइस है उसका उस पर क्या इफेक्ट हुआ जो प्राइस है वो इनक्रीज होगा राइट right? जो जनरल प्राइस लेवल है उस पर क्या चेंजेस हुए इट विल इनक्रीज ठीक है इसके अलावा जब इकोनॉमी को वापस इक्विलिब्रियम पर लाना होता है और अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है तो ऐसे केस में भी प्राइसेस को इंक्रीज किया जाता है क्यों क्योंकि जब प्राइस इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली लोग डिमांड कम करेंगे ये हमें पता है ये जनरल रूल है ये लॉ ऑफ डिमांड है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी यहां से जो 50 की डिमांड है वो कम होती 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 कहां पर आ जाएगी 30 पर आ जाएगी और वहां जाकर हमारी इकोनॉमी जो वापस इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी और फिर जो है हम उसमें कोई भी चेंजेस करना नहीं चाहेंगे ठीक है सो तो अगर एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन होगी तो आउटपुट एम्प्लॉयमेंट और प्राइस पर क्या क्या चेंजेस है आउटपुट में नो चेंज होगा एम्प्लॉयमेंट में भी नो चेंज होगा और प्राइस क्या होगा प्राइस इंक्रीज होगा ठीक है तो ऑप्शंस देखो सबसे पहले क्या है डिक्रीज इन इनकम अभी इनकम की तो यहाँ पे बात ही नहीं की है इसमें इनकम इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी हमने जो है इस चीज में तीन चीजों को पढ़ा है एम्प्लॉयमेंट आउटपुट और प्राइस तो अगर उससे रिलेटेड सबसे पहले आपके पास में ऑप्शन होगा तो आप उसे करेक्ट चूज करोगे और मान लो अगर सारे ऑप्शंस में इनकम है तो एट दी एंड हम इनकम को देखेंगे कि उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है ठीक है सो ये क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले इनकम आ गया है तो हमने क्या किया अभी इसको बिल्कुल भी सही नहीं बोला सेकेंड चीज यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये तो हमारा कुछ भी ऑप्शन दे दिया कि डिक्री इज इन नॉमिनल इनकम बट नो चेंज इन रियल आउटपुट तो ये तो जो है आपका आ, कहीं से भी जो है लिंक नहीं हो रहा है सिर्फ एक ऑप्शन बनाना था तो बना दिया तो इसलिए ये भी गलत है फिर इंक्रीज इन इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल अब अगर इनकम को हम छोड़ भी दें तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो आउटपुट एम्प्लॉयमेंट इनमें इंक्रीज है क्या नहीं है इनमें तो नो no चेंज है ठीक है तो इसलिए ये भी गलत है सेम चीज यहाँ पर भी देख लो क्या है डिक्रीज इन इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट आउटपुट एम्प्लॉयमेंट में डिक्रीज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसलिए ये वाला भी गलत है बचा हमारे पास में लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं सही है या नहीं है नो चेंज इन आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट बट इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल क्या यही बोला हमने आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में नो no चेंज लेकिन जो जनरल प्राइस लेवल है उसमें क्या है इंक्रीज है वही यहां पर भी बोला गया है राइट सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा योर ऑप्शन डी दैट इज नो चेंज इन आउटपुट एम्प्लॉयमेंट बट इंक्रीज इन जनरल प्राइज लेवल ठीक है आई गेस क्वेश्चन जो है वो प्रॉपरली क्लियर है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं टोटल यूटिलिटी इज डैश एट दी पॉइंट ऑफ सिटाइटी जो पॉइंट ऑफ सिटाइटी होता है उस पर टोटल यूटिलिटी कैसी होगी मिनिमम मैक्सिमम जीरो नन ऑफ दीज ठीक है क्या बताना है कि पॉइंट ऑफ सिटाइटी पर जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या होने वाली है दैट वुड बी मैक्सिमम पॉइंट ऑफ सिटाइटी क्या होता है पॉइंट ऑफ सेटाइटी जहाँ पर एक पर्सन को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है ठीक है वहाँ पर जो है वो पर्सन सेटिस्फाई हो जाता है दैट मीन्स वो एक उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाला लेवल होता है उसके बाद भी अगर आप कंजम्पशन बढ़ाते हो तो उसका जो क्या है उसका जो आ, उसकी जो यूटिलिटी है टोटल यूटिलिटी जो डिराइव होती है वो फॉल होने लगती है ठीक है जैसे कि अगर हम लोग अपना टोटल यूटिलिटी का ग्राफ देखें तो ऐसा होता है टोटल यूटिलिटी राइट right. इसमें जो है यहां पर पॉइंट ऑफ क्या होता है सिटाइटी होता है ठीक है इज दिस कॉल्ड पॉइंट पॉइंट ऑफ इस पर्टिकुलर पर जो टोटल यूटिलिटी है वो उसके मैक्सिमम पर है एक पर्सन का जो मैक्सिमम सेटिसफेक्शन है वो उसने अटेन कर लिया कहाँ पर पॉइंट ऑफ सिटाइटी पर अब अगर इसके बाद भी एक कंज्यूमर जो है वो अगर अपना जो कंजम्पन है वो अगर चालू रखता है अगर वो कंज्यूम करता रहता है तो ऐसे केस में जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज होने लगती है ठीक है अब उसको जो है उतनी यूटिलिटी नहीं मिलती अब उसकी यूटिलिटी क्या हो रही है डिक्रीज होने लगती है ऑल राइट सो पॉइंट ऑफ सिटाइटी के जो है बियॉन्ड अगर कंजम्पशन होगा सो यूटिलिटी विल डिक्रीज अब यहीं से पॉइंट ऑफ सिटाइटी से ही एक और रिलेशन हम लोग एक और देख लेते हैं दैट इज वॉट पॉइंट ऑफ सिटाइटी पर एमयू कैसा होता है एमयू इज जीरो

कम मिल रही है वो प्रीवियस वालों से अब कम मिल रही है नाउ वी डोंट वांट लाइक वी डोंट वांट टू कंज्यूम या हम ये बोल सकते हैं कि हम स्टिल अगर कंजम्पशन कर भी रहे हैं तो हमारा जो सेटिसफेक्शन लेवल है वो अब गिरता जा रहा है ठीक है कोई भी चीज़ होती है ना कि हम बहुत ज़्यादा उसको कंज्यूम कर लेते हैं तो हम जो है बहुत हमारा मन भर जाता है कि बस अब नहीं अब बिल्कुल नहीं आपकी कोई फेवरेट चीज होती है वो फेवरेट चीज को भी अगर एक हद से ज्यादा कंज्यूम कर लेता है तो उसका भी जो है वो अपनी फेवरेट जो भी चीज है उससे क्या हो जाता है मन भर जाता है कि अब नहीं फिर हम बोलते हैं कभी कि एक जमाने में वो हमारी फेवरेट चीज हुआ करती थी लेकिन अब नहीं होती है जेड क्यों क्योंकि आपकी जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज हो चुकी है आपने उसको इस हद तक कंज्यूम कर लिया कि अब आप जो हो अब आपकी जो यूटिलिटी आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव होती है वो नेगेटिव है वो अब आपको ज्यादा जो है यूटिलिटी उससे डिराइव नहीं होती ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलता उसको कंज्यूम करके ऑल राइट सो आई गेस क्लियर हो गई है चीज पॉइंट ऑफ सोटाइटी क्या है टीयू उस पर क्या होगा और एमयू भी उस पर क्या होगा आई होप सो ये भी क्लियर हो गया है ठीक है तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन बी दैट इज मैक्सिमम फिर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर नेम द प्रोग्राम दैट कवर्स एल्डरली पीपल पुअर वुमेन हु आर एंड विडोज क्या करना है हमें हमें जो है ऐसा प्रोग्राम बताना है जो कि कवर करता है किसको एल्डरली पीपल को पुअर वुमेन को और पुअर वुमेन जो कि डेस्टीट्यूट है या फिर विडोज है उन्हें जो है कवर करते हैं ठीक है ऑप्शन देखो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बी इज नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम सी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एंड डी नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम ये आंसर बहुत ही इजी है अगर आपको नहीं भी पता है कि ये वाली स्कीम किससे रिलेटेड है क्या होगा इसमें तो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आप बहुत ही इजीली एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो आप जो एलिमिनेट कर सकते हो चीजों को जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बहुत ही सिंपल सा है हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसके बारे में राइट इसमें क्या करती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है एमजी नरेगा मनरेगा जो भी आप इसको टर्म बोलो राइट दोनों ही सही है अब अगर वैसे तो आई होप सो so, कि मनरेगा जो है उसके बारे में तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज है और बहुत बार हम लोगों ने पढ़ी भी है बट स्टिल अगर नहीं भी पता है तो भी इसको एलिमिनेट कर सकते हो आप कैसे करोगे एक सिंपल सी चीज रखो वुमेन को अभी साइड रखें हम हम जो है वुमेन हुआ डिस्टिट्यूट और विडोज इन पर अभी हम थोड़ा सा जो है क्या नहीं करेंगे फोकस नहीं कर रहे हम जाते हैं किस पर एल्डरली पीपल पर एल्डरली पीपल के लिए आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि क्या गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करेगी फॉर एल्डरली पीपल एल्डरली पीपल अब दी एज ऑफ सिक्सटी मोस्टली हम यही बोलेंगे तो क्या उनके लिए ये गवर्नमेंट करेगी नहीं करेगी भाई तब तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी आप आराम करो हम आपको क्या देते हैं हम आपको जो है आपकी जो नेसेसिटीज है वो फुलफिल करवाते हैं ठीक है आप उनसे काम नहीं लिया जाएगा अब एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लिखा हुआ है तो सिंपल सी मी, मतलब है कि इस पर्टिकुलर स्कीम में जो है एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा था तो एम्प्लॉयमेंट एल्डरली पीपल के लिए नहीं हो सकता है ठीक है अब वैसे अगर नॉर्मली देखें तो ये जो स्कीम है ये क्या है कि इसमें गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है इसमें गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है गारंटीड हंड्रेड डेज का गारंटीड वर्क प्रोवाइड करती है जिसमें लोग जाकर काम करते हैं ठीक है थीके? देन अगर मैं सेकेंड वाला देखू नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम अब ये वाला जो पर्टिकुलर हमारा स्कीम लग रहा है या प्रोग्राम लग रहा है सिर्फ नेम से उससे लग रहा है कि शायद ये सही हो सकता है तो अभी इसको होल्ड पर रख देते हैं सी और डी देखते हैं ठीक है सी क्या है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम क्या बोला गया एल्डरली पीपल स्कीम किसके लिए है स्टूडेंट्स चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए अब एल्डरली पीपल चाइल्ड डेवलपमेंट अलग-अलग हो गया ना तो दैट मींस कि ये वाला भी क्या है आपका सही ऑप्शन नहीं है फिर आता है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम फिर से एक ध्यान देना क्या है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वर्क करो उसके जो है आ, उसके रिटर्न में फूड दिया जाएगा फूड के साथ में कैश भी दिया जाएगा वो उस प्रोग्राम के अंडर है कि फूड एंड कैश दोनों में जो है क्या किया जाता है पेमेंट किया जाता था लेकिन क्या करना पड़ेगा उसके लिए काम करना पड़ेगा और अभी अभी मैंने बताया कि एल्डरली पीपल के लिए काम वाली स्कीम नहीं निकाली जाएगी राइट सो दैट मीन्स कि ये भी क्या है गलत ऑप्शन है तो सही कौन सा बच्चा योर ऑप्शन बी दैट इज नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम ऑल राइट आई गेस क्लियर हो गई ये चीज कैसे एलिमिनेट करना है स्टूडेंट्स आपको ये भी सीखना चाहिए और ये भी आना चाहिए क्योंकि कई बार ये होता है कि हमें करेक्ट ऑप्शन नहीं पता होता है लेकिन लेकिन हम जो है एलिमिनेशन मेथड को यूज करके अपना जो ऑप्शन है जो करेक्ट ऑप्शन है उसे फाइंड आउट कर पाते हैं ठीक है थीके? तो आई होप सो की क्लियर हो गया है अच्छे से कि इसका जो है ऑप्शन बी हमने कैसे करेक्ट बताया अब अगर आपको एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं आपको ऑलरेडी पता था कि भाई ये जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है ये पीपल के लिए और जो विमेन uh, जो पुअर वीडोज है, है उनके लिए अगर ये है तो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इतना आपको जो है वहां पर माइंड ही नहीं लगाना है एलिमिनेशन जो है वो करने की जरूरत नहीं है आप सीधा सीधा जो है आपका ऑप्शन भी चूज कर सकते हो दैट इज नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम ठीक है फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर

अब इसमें जो है आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है यहाँ पर जो है ना इतना तुक्काबाजी नहीं चलेगी कि ऐसा हो गया हाँ इससे हम बोल देंगे एनसीआर नहीं है क्योंकि एनसीआर जो है वो टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन में नहीं गई है एनसीआरटी कहाँ पर है हमारी स्कूल एजुकेशन है और प्रोफेशनल एजुकेशन जो है वो अपार्ट फ्रॉम स्कूल बियॉन्ड स्कूल जो है वो दी जाती है जब आप कॉलेज में जाते हो या आप कोई एक स्पेशलाइजेशन जो है वो परस्यू करते हो तब आपको जो है प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है और टेक्निकल भी तभी होगा जब आप उस फील्ड में गए हो ठीक है लेकिन अगर हम स्कूल एजुकेशन की बात करें तो वो ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है एक स्टूडेंट का ठीक है तो एनसीआरटी वी नो किस पर बेस्ड है एनसीआरटी तो हमारी स्कूल एजुकेशन पर है तो ये हो गया गलत ऑप्शन ये गलत है दैट मीन ये भी गलत है ऑल ऑफ दी अब नहीं हो सकता यूजीसी जी एन आई ए यू जी सी दैट इज वॉट दैट इज जॉब आपके कॉलेज से रिलेटेड है और अगर हम बात करें टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन की तो टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन कौन सा इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा दैट इज ए आई सी टी ई ऑल राइट जो जो डिफरेंट डिफरेंट डिफरें इंस्टीट्यूट होते हैं हर एक डिफरेंट डिफरेंट डिफरें स्पेशलाइजेशन के लिए वैसे ही टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए यह है ठीक है आई गेस क्लियर ए चीज नेक्स्ट पर आ जाए बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइडिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन बिटवीन रेसिडेंट ऑफ दंट्री एंड रेस्ट ऑफ दर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवेन पीरियड ऑफ टाइम फिल इन अपटरनेटिव ठीक है फिल अप द्लैंक बाय करेक्ट अल्टरनेटिव ऑल राइट तो अब इस ब्लैंक में क्या लिखेंगे इकोनॉमिक सॉरी नॉन इकोनॉमिक इकोनॉमिक सोशल एंड नन ऑफ दीज जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो अकाउंट्स होते हैं जो स्टेटमेंट होती है वो किस चीज की सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स वो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की करती है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की करती है सोशल ट्रांजेक्शन की करती है नन ऑफ दीज बहुत ही सिंपल आंसर आ जाएगा इसमें आई डोंट थिंक कि कुछ भी जो है समझने वाली भी चीज होगी दैट वुड बी ऑप्शन बी इकोनॉमिक है ना इकोनॉमिक कैसे हो गया क्योंकि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को ही तो लिखते हैं जिसमें कि एक साइड से जो है गुड्स गए एक साइड से पैसा गया

कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम विच ऑफ दिल नॉट बी कंसिडर्ड जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं तो इनमें से क्या है जो कि आप कंसिडर नहीं करोगे दैट मीन्स इंक्लूड नहीं करोगे नेशनल इनकम में ऑप्शन आर विंड फॉल गेम्स नेशनल डेथ इंटरेस्ट परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एंड ऑल ऑफ द अबव बहुत ही सिंपल आंसर है देखो एक सिंपल सी चीज बताऊ अगर इस वाले में डाउट भी हो वैसे तो नहीं होना चाहिए लेकिन अगर इसमें डाउट भी हो तो ए और सी को पढ़ लो विंडफॉल गेम्स आप कभी लिखते हो क्या नहीं लिखते हो कभी हम कंसिडर या इंक्लूड नहीं करते हैं अपनी जो नेशनल इनकम है उसमें परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स की जो परचेज या सेलिंग होती है उसे हम नहीं लिखते हैं राइट हाँ अगर इस पर कोई कमीशन अर्न होता तो वो हम जो है इंक्लूड करते हैं लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स को हम परचेज या सेल जो है वो नहीं लिखते हैं राइट तो ए भी नहीं हो रहा है बी भी नहीं हो रहा है बच्चा क्या है आपका सॉरी ए भी नहीं इंक्लूड हो रहा सी भी नहीं हो रहा बच्चा क्या है बी अगर कंफ्यूजन है तो तो बी भी जो है वो नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि एक ऑप्शन है हमारे पास में ऑल ऑफ दीज अगर ऑल ऑफ दीज नहीं होता तो फिर हम जरूर दिमाग लगाते ठीक है लेकिन ये चीज भी याद रखना है कि जो नेशनल डेप्थ इंटरेस्ट है वो भी जो है आपकी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता है All right, national debt interest नहीं होता है वो वो जो 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 हम हम लिखते हैं, वो capital पर earned जो interest होता है, है? है, ठीक बोलेंगे एक factor जो provide किया है, उस पर जो इंटरेस्ट अर्न होता है इसलिए जो है वो इंटरेस्ट हम लिखते हैं लेकिन जब नेशनल डेट इंटरेस्ट की बात आती है तो इस चीज को हम अपनी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं ऑल राइट right? फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर च डू नॉट बिलोंग्स टू पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इनमें से क्या है जो कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है ऑप्शन रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बी इज प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना सी है आपका स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना और डी है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम क्या बताना है स्टूडेंट्स आपको पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इनमें से कौन सा नहीं है ठीक है या इनमें से कौन सा पर्टिकुलर स्कीम या प्रोग्राम ऐसा है जो कि पावर्टी एलिवेशन से रिलेटेड नहीं है दैट मींस वो इस मोटिव से नहीं जो है आ, क्या किया गया इंप्लीमेंट किया गया कि पावर्टी जो है वो एलिवेट हो सके अब अगर मैं फर्स्ट थ्री देखूं तो इसमें क्या होता है इसमें जो है गवर्नमेंट कुछ में जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन है प्रोग्राम वो है कुछ वेज रही है इन तीनों में गवर्नमेंट किसी भी से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाह रही है ठीक है प्रोग्राम्स एंड हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमें कंट्री में पावर्टी को एलिवेट करना है तो लोगों के पास में काम होना जरूरी है राइट right? जब लोग एम्प्लॉयड होंगे जब वो काम करेंगे तभी वो पैसे कमा पाएंगे और पैसे कमाएंगे तो पावर्टी जो है वो कम होगी राइट सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो प्रोग्राम है वो आपके पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम से रिलेटेड होते हैं अब हम बात करें नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम अभी थोड़ी देर पहले इसको पढ़ा ये किसके लिए होता है ये होता है एल्डरली पीपल के लिए या फिर जो विडोज हैं या जो विमेन इन डिस्टिट्यूट हैं ठीक है थीके? उनके लिए जो है ये क्या है ये प्रोग्राम होता है दैट मीन्स इन्हें इनके लिए या हम बोलें कि जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है इसके अंडर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होता है ठीक है इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड की जाती है ये चीज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी समझाई कि सीधी सी बात समझो अगर एल्डरली पीपल के लिए तो एल्डरली पीपल के लिए एम्प्लॉयमेंट थोड़े ना प्रोवाइड करेंगे राइट वो क्या करेंगे सिर्फ एक सोशल असिस्टेंस कर रहे हैं सिर्फ जो है एक काइंड ऑफ हेल्प कर रहे हैं थोड़ा जो है इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली क्या कर रहे हैं हेल्प कर रहे हैं ठीक है थीके? सो दैट क्लियरली मीन्स कि ये जो है सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है ये पावर्टी एलिवेशन से रिलेटेड रेले, नहीं है इसका जो मोटिव है वो पावर्टी को एलिवेट करना नहीं है इसका मोटिव क्या है कि एल्डरली पीपल जो है उन्हें एक काइंड kind ऑफ of क्या प्रोवाइड कर सके जो हेल्प है वो प्रोवाइड कर सके उससे जो है ये नहीं सोच रहे हैं या इस पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है स्कीम है इससे ये नहीं सोचा जा रहा है कि नहीं नहीं पावर्टी को हमें बिल्कुल हटाना है ये तो उन लोगों के लिए जो लोग काम नहीं कर सकते हैं तो उनकी हेल्प कर रही है गवर्नमेंट राइट सो आपके जो स्टार्टिंग के तीन हैं दीस आर अ काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स से ठीक है तो इसके लिए इस पर्टिकुलर में आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम ठीक आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गया कि कैसे जो है हमने इस आंसर को सही बताया और कैसे जो है इसके सही आंसर पर पहुंचे हमने कैसे बताया कि ये जो है ये सारे पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं सो आई होप सो कि ये चीज जो है अच्छे से क्लियर हो गई आप लोगों को ठीक है फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पर गोल्डन रेवल्यूशन इज कंसर्न विथ जो गोल्डन रेवोल्यूशन है वो किससे कंसर्न है वो किससे रिलेटेड है हम बोले कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्शन को जो है गोल्डन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया था फार्म प्रोडक्शन पोएट्री फार्मिंग हॉर्टिकल्चर एंड फिश प्रोडक्शन बहुत ही सिंपल आंसर होगा दैट वुड योर ऑप्शन सी हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर जो है उसे क्या नाम दिया गया था और उसमें जो रेवोल्यूशन लाया गया था उसमें जो चेंजेस लाए गए थे उसे क्या बोला था उसे बोला गया था गोल्डन रेवोल्यूशन ठीक व्हाइट रेवोल्यूशन ब्लू रेवोल्यूशन गोल्डन रेवोल्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन इनका जो है आप लोगों को पता होना चाहिए किस किस से रिलेटेड है ग्रीन हो गया हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड व्हाइट हो गया हमारा डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड ठीक है जो डेयरिंग प्रोडक्ट्स है उनसे रिलेटेड हो गया ब्लू uh, uh, जो प्रोडक्शन है सॉरी ब्लू जो रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड हो गया आपके जो वाटर रिसोर्सेज हैं राइट right? जो वाटर से चीजें मिलती है दैट इज फिशरीज एंड ऑल ये क्या हो गया ये हो गया आपका ब्लू रेवोल्यूशन का पार्ट तो ऐसे जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेरियस वेरियस जो है, वो किससे रिलेटेड है ठीक है फिर आगे चले कॉपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आर टू इंश्योर जो कॉपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज है वो क्या चीज इंश्योर करती है ऑप्शन आर टाइमली एंड रेपिड फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर्स बी ऑप्शन है एलिमिनेशन ऑफ मनी लेंडर्स एज क्रेडिट एजेंसीज सी है आपका बताना है क्रेडिट कॉपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का क्या काम है कॉपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज जो है वो इनमें से क्या वर्क करती है क्या वो टाइमली और रेपिड फ्लो जो है क्रेडिट का वो मैंटेन करके रखती है फार्मर्स के बीच में क्या वो मनी लेंडर्स को जो है एलिमिनेट कर रही है जो क्रेडिट एजेंसी है उसमें से क्या वो स्प्रेड कर रही है क्रेडिट फैसिलिटीज को जो सारे रीजन है कंट्री के उसमें सिर्फ अर्बन ही नहीं बल्कि रूरल एरियाज़ जहां पर जो है क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाती है क्या वहां तक जो है कॉपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज जो है क्या वो क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है तो इन सब के क्या का आंसर क्या मिला हमें येस yes. राइट right? इन सब का आंसर क्या मिला कि येस yes. जो ये चीजें हैं वो ऐसी हो रही है जो कॉपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैं वो ये सारे काम कर रही है तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा योर ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ दीज ठीक आई गेस क्लियर है क्वेश्चन ठीक है फिर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट ऑपरेटिंग सरप्लस को consider करते हुए ऑपरेटिंग सरप्लस जो हम लोगों ने पढ़ा है अपनी इनकम method में उसे समझते हुए इनमें से क्या है जो कि इसका पार्ट नहीं होता है ऑप्शन आर रेंट एंड रॉयलिटी बी इज वेजेस एंड सैलरीज सी है आपका इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट डी है आपका नन ऑफ दी बहुत ही सिंपल जो है इसका आंसर होगा राइट अगर मैं रेंट एंड रॉयल्टी तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट भी क्या है ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है क्या वेजेस एंड सैलरीज ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट होता है नहीं ये किसका पार्ट होता है स्टूडेंट्स दिस इज दी पार्ट ऑफ सीओई दैट इज कंपनेशन ऑफ एम्प्लॉइज ठीक है जब हम हम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बोलते हैं तो उसमें जो है वेजेस एंड सैलरीज इंक्लूड किए जाते हैं और जो ऑपरेटिंग सरप्लस होता है उसमें क्या आता है रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट एंड एंड प्रॉफिट दैट ऑप्शन ऑप्शन ए सी जो है ये दोनों क्या होते हैं ये दोनों ही इंक्लूड होते हैं आपके ऑपरेटिंग सरप्लस में लेकिन अगर हम ऑप्शन बी देखें दैट इज वेजेस एंड सैलरीज तो ये आपका जो है ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट नहीं है सो दैट मीनस आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा योर ऑप्शन बी

कौन से ईयर में स्टेब्लिश हुआ था हमें यह बताना है ऑप्शन आर 1991 बी है 1965 सी है 1996 एंड डी है आपका 1988 बहुत ही सिंपल होगा आई गेस जो ये कुछ डेट्स है वो आपको याद रखनी है अगर आपको डेट्स याद नहीं हो रही है ईयर्स याद नहीं हो रहे हैं स्टूडेंट्स तो मैंने आप लोगों के लिए जो है वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है हाउ टू रिमेंबर डेट्स इन इकोनॉमिक्स आप लोग जाकर सर्च कर सकते हैं और उस वीडियो उस वीडियो से जो है अपनी जो सारी डेट्स वगैरह हैं याद कर सकते हो बहुत ही ईजीली वहां पर मैंने कुछ आपको निमोनिक्स प्रोवाइड किए हैं जिसकी हेल्प से आपको जो प्रॉपर सारी डेट्स वगैरह हैं वो याद हो सकती है ठीक है सो जो ग्रेट पॉलिटिक

कंसेप्ट और कुछ होते हैं नैरो कंसेप्ट अब आपको बताना है कि नैरो कंसेप्ट कौन से हैं अगर देखा जाए तो एम वन जो है वो क्या होता है स्टूडेंट्स एम वन जो होता है वो मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी होता है राइट इसमें बेसिकली आप क्या लेते हो इसमें बेसिकली आपने ले लिया जो कैश है लोगों के पास में इन हैंड जो डिमांड डिपॉजिट्स वगैरह वो चीज आ जाती है दैट मीनस कि बहुत ही इजीली वो मनी में कन्वर्ट हो जाता है या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि वो डायरेक्टली हमारे पास में कैश ही है एम वन इज द मोस्ट लिक्विड फिर जो है इसकी लिक्विडिटी कम होती जाती है फ्रॉम एम टू एम थ्री एंड देन गोस टू एम फोर दिस इज लीस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी ठीक है ये क्या हो गया ये हो गया आपका लीस्ट लिक्विड अब आपको बताना है नेरो कौन सा है नेरो का मतलब क्या होता है कि कम चीजें किसमें अगर देखा जाए तो जब हम M1 निकालते हैं तो इसमें हम जो है M2 M3 M4 को किसी को ऐड नहीं करते फिर जब M2 आता है स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं हम इसमें M1 प्लस डैश 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 सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक फिर में आप क्या करते हो एम वन प्लस डैश 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 जो भी चीजें और एम फोर में आप क्या करते हो एम थ्री प्लस और भी चीजें दैट मींस एम वन जो है उसमें सबसे कम चीजें हैं उस वो जो है मोस्ट लिक्विड भी है एंड वो मोस्ट नैरो भी है और अगर हमें नैरो और ब्रॉड की कैटेगरी में डिवाइड करना होता है तो हम कैसे डिवाइड करते हैं जो आपका एम वन और एम टू होता है यह आ जाता है आपका नैरो कंसेप्ट में और जब हम बोलते हैं ब्रॉडर कंसेप्ट तो M3 और M4 जो है ये दोनों आते हैं आपके ब्रॉडर कंसेप्ट में ठीक है तो ब्रॉडर एंड नैरो में दो दो आपको डिवाइड करना है ये नहीं कि हम सिर्फ M1 को नैरो बोलेंगे और M4 को ब्रॉडर बोलेंगे नैरो uh, मनी में दो आएंगे आपके M1 M2 और M3 M4 एम फोर किसमें आ जाएंगे आपके बोरोअर सॉरी ब्रॉडर मनी में ठीक है सो दैट मीन्स आपका करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन सी एम एंड एम ठीक है फिर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर द डिफरेंस बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू स्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप डिफ्लेशनरी गैप इधर और बी इधर ए एंड बी नीदर ए एंड ऑर बी ठीक है क्या बताना है कि जो डिफरेंस है जिससे एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड क्या कर रही है? Exceed कर रही रही है है किसे आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर रिक्वायर्ड थी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्वली ब्रम लेवल पर रिक्वायर्ड थी उसे उसे क्या कहा जाता है दैट मीन सिंपल सी चीज हम क्या बोल रहे हैं कि ये डिमांड क्या है दिस डिमांड इज एक्सिस डिमांड वाली कंडीशन राइट right? क्या हो रहा है एक्सेस डिमांड हमें देखने को मिल रही है एंड एक्सेस डिमांड में क्या होता है एक्सेस डिमांड में जो जनरल प्राइस लेवल है वो राइज होते हैं इसको अभी कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस uh, के पहले मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया ठीक है जब प्राइजेस बढ़ते हैं तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या कहते हैं इसे कहा जाता है इनफ्लेशन एंड हेंस एक्सेस डिमांड लीड्स टू इनफ्लेशनरी गैप राइट right. और वही अगर डिफिशियन डिमांड होती तो हम क्या बोलते हैं दैट लीड्स टू डिफ्लेशनरी गैप तो अब ये जो पर्टिकुलर कंडीशन हमें बोली गई है उसके हिसाब से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा योर ऑप्शन ए दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप ठीक है अगर याद नहीं है तो बेसिकली बस इतना सा जो है सिंपल सी चीज हमें लगानी है कि प्राइस बढ़ रहे हैं जब प्राइस बढ़ रहे हैं तो इस पर्टिकुलर फिना को हम इन्फ्लेशन कहते हैं इन्फ्लेशन inflation से इन्फ्लेशनरी गैप पर हम लोग पहुंच कर ठीक है i guess clear a question next parathem mark the true statements about undernourished population in the three countries इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान ठीक है ये हमारे पास में जो है इन तीनों से रिलेटेड कुछ क्या दी गई है स्टेटमेंट दी गई है इसमें से जो ट्रू स्टेटमेंट है वो हमें बतानी है आर जो अंडर नरेज पॉपुलेशन है उसे क्या बोलते हैं वो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो कि एक एडिक्वेट डाइट जो है वो ऑप्टेन नहीं कर पाते हैं तो ये होती है अंडर नरेज्ड पॉपुलेशन क्या ये जो डेफिनेशन Given है, ये true है, yes, ये true है, है, right? राइट फिर बी पर आओ चाइना सबसे कम अंडर तीनों कंट्रीज को अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान में तो क्या ये बात सही है yes, ये भी बिल्कुल सही है इस चीज को भी ऑप्शन है पॉपुलेशन इज मच हायर इन पाकिस्तान क्या बोला गया कि जो अंडर नरेस्ड पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान में ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया जो डेटा हमारे पास में स्टूडेंट एनसीआर में गिवन है उसके हिसाब से ये चीज क्या है ये गलत है इंडिया में ज्यादा अंडर अंडरमेरेज पॉपुलेशन है एज कंपेयर टू पाकिस्तान और यहां पर क्या बोला गया कि पाकिस्तान में ज्यादा है तो ये चीज क्या होती है ये स्टेटमेंट क्या होती है ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है ठीक है सो so, अल्टीमेटली आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा योर ऑप्शन डी दैट इज बोथ ए एंड बी ए बी सही है बी बी सही है तो आपका अल्टीमेटली करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा योर ऑप्शन डी दैट इज बोथ ए एंड बी ठीक फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर अब है हमारे पास में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो 47 टू है है वो केस स्टडी पर बेस्ड इसमें आपको क्या करना है हमेशा से मैंने आपको एक जो है है इसकी ट्रिक बताई दैट इज सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है उसके बाद में आपको केस स्टडी पढ़नी है केस स्टडी को भी आप जो हो प्रॉपरली ध्यान से पढ़ने वाले हो ठीक है और फिर केस स्टडी को जब आप पढ़ोगे तो अगर कोई भी क्वेश्चन वहां से इसके जो है इन बिल्ड कोई आ, जो है फ्रॉम दी पैराग्राफ अगर आया होगा तो वो चीज आप लोगों को क्या मिल जाएगा यहीं के यही जो है आंसर समझ में आ जाएगा और आपकी जो है डबल मेहनत नहीं लगेगी कि पहले आप केस स्टडी पढ़ो फिर क्वेश्चन पढ़ो फिर केस स्टडी पे जाओ तो ये चीज मत करना सबसे पहले क्या करो क्वेश्चन पढ़ लो केस स्टडी पढ़ लो और फिर क्वेश्चन के आंसर कर दो ठीक है अब एट प्रेजेंट मैं यहाँ पर पहले केस स्टडी पढ़ूंगी क्योंकि मैं अगर इतनी बार स्लाइड चेंज करूंगी तो आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज ठीक है तो इसके लिए मैं पहले केस स्टडी पढ़ रही हूँ लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है आई होप सो समझ में आ गया है सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने फिर केस स्टडी पढ़नी ठीक है तो चलिए आ जाते हैं अपनी केस स्टडी पर एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू ऑलमोस्ट थ्री फोर्थ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंडियन एग्रीकल्चर इज हाईली डिपेंडेंट ऑन स्पेशल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल क्लाइमेट एक्सट्रीम सच एज ड्रॉट and flood affect agriculture severely an account of impact of climate extreme is Drought and flood on Indian food grain production has been presented in this chapter. There are temporal fluctuations in food grain production and area under the food grain. In secular terms, both of them increased up to the mid 80s after mid 80s there is a decline in the area of food grain while maintaining an increase in production of food grain suggesting the improvement in agricultural technology and policy there is more temporal fluctuations in the production of food grain than the area under food grain the analysis reveals that the impact of drought on indian agriculture इज मोर देन दैट ऑफ फ्लड ठीक है बेसिकली ये जो पैराग्राफ हमारे पास में गिवन है ये किससे रिलेटेड है किस पर बात कर रहा है जो एग्रीकल्चर है उस पर बात कर रहा है ठीक है अभी थोड़ा और बचा है आगे और पढ़ते हैं बाकी यहां से हमें समझ में आए कि हाँ भाई एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया है फ्लड और ड्रॉट जो है ऐसी कंडीशन जो है वो एग्रीकल्चर को सीवियरली अफेक्ट करती है कुछ टाइम में अगर हम बोले में डेटी के बाद में जो है जो एरिया अंडर फूड ग्रेन है वो कम हुआ लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ी क्यों बढ़ी बिकॉज ऑफ uh, जो टेक्नोलॉजी uh, बढ़ी तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो ड्रॉट से ज्यादा अफेक्ट होता है ठीक है? ये चीज भी यहां पर बताई गई है अब आगे की चीज़ और देखते हैं। रबी फूड ग्रेन प्रोडक्शन बेटर बेटरिटी to drought then carryf production caref food grain production mostly due to better access to irrigation infrastructure among the various food crops analyzed all except jowar can effectively face flood events wheat and jowar uh, perform relatively better during drought events rice is most sensitive crop to the extreme climate events since rice is staple food in a subcontinent. management of rice productions against climate extremes needs special attention for food security and sustainability. Okay? अब यहाँ पर कुछ हमारे पास में क्या आ गया कुछ फूड ग्रेन के बारे में बताया गया अब देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें नहीं पता है कि क्वेश्चन क्या है राइट तो अब जो है इसको पढ़कर भी हम कोई सेंस नहीं निकाल पा रहे इसे समझने का कोई वो नहीं है कि अच्छा हमें कोई इसको जो है याद तो करना नहीं है है ना तो इसलिए जो है आपको क्या पता होना चाहिए पहले क्वेश्चन पता होना चाहिए अगर आप लोग क्वेश्चन पढ़कर आओगे तो अगर उससे रिलेटेड यहाँ से कुछ चीजें तो वही आपका क्लिक करेगा कि अच्छा उस क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ से करना है ठीक है इसलिए जो है क्वेश्चन पढ़ना होता है ठीक है

ठीक है क्या हो रहा है प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है ठीक है इंक्रीज इन प्रोडक्शन हमने देखा सजेस्टिंग द इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी और जो इंक्रीज इन प्रोडक्शन है वो क्या सजेस्ट कर रहा है कि ये इंक्रीज कैसे हुआ बिकॉज ऑफ इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी ठीक है जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और पॉलिसी है उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हुआ है

पर नहीं जाना पड़ता ठीक है फिर आते हैं नेक्स्ट पर द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टूवर्ड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इज थ्री फोर्थ टू थर्ड वन थर्ड एंड वन फोर्थ अब अगर देखा जाए तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये हमारे केस स्टडी से आया है लेकिन लेकिन हमारे सिलेबस से तो आया है सो दैट मीन वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन ठीक है कि जो एग्रीकल्चर है उसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कितना जो है कंट्रीब्यूशन uh, होता है सो दैट वुड बी थ्री फोर्थ ठीक है क्योंकि आप देखोगे कि सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही प्रोवाइड करता है या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर में

Then, next वाला अब uh, वाले question पर आते हैं दो statements है हमारे पास में statements में आपको ट्रू क्या, फॉल्स क्या है क्या false है फर्स्ट वाली स्टेटमेंट पर आते हैं टिल द मिड एटीज इन सेक्यूलर टर्म्स देयर वॉज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड एरिया अंडर फूड ग्रेन्स अभी अभी पढ़कर आए मिड एटीज तक जो है तब तक हमने क्या बोला कि देखा जाए तो दोनों में ही इंक्रीज था जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन का उनमें भी इंक्रीज था और जो एरिया था अंडर फूड ग्रेन उसमें भी इंक्रीज था दैट मीन स्टेटमेंट वन जो है वो क्या है ट्रू है अब अगर मैं टू पर आऊं सो आफ्टर मिड एटीज एरिया अंडर फूड ग्रेन इंक्रीज जो मिडेटीज की बात की बात की गई थी उसमें क्या बोला अभी हमने अभी अभी पढ़कर आए थे That is, जो एरिया है अंडर फूड ग्रेन वो डिक्रीज हुआ है और क्या इंक्रीज हुआ है जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता हुआ देखा ठीक है तो जो फूड ग्रेन जो एरिया था अंडर फूड ग्रेन प्रोडक्शन वो डिक्रीज हुआ है एरिया डिक्रीज हुआ था इंक्रीज नहीं हुआ था इसलिए ये क्या है ये फॉल्स है तो अल्टीमेटली आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ये सी स्टेटमेंट वन इज टू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स ठीक

ज ऑल ऑफ दी अबव जो है इसका क्या होगा आंसर होगा कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर भी अफेक्ट करता है फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को अगर कॉस्ट कम होगा तो जो है प्रॉपर क्वांटिटी में जो फर्टिलाइजर्स की जरूरत है वो एक फार्मर यूज कर पाएगा अगर कॉस्ट ज्यादा होगा तो वो फार्मर यूज नहीं कर पाएगा तो अल्टीमेटली उसकी वजह से उसका इफेक्ट जो है वो उसकी सप्लाई या उसके प्रोडक्शन पर दिखेगा अगर बेटर इरीगेशन फैसिलिटीज है तो बेटर प्रोडक्शन होगा अगर जो एग्रीकल्चर टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करें तो अगर ये सही जो है या एकदम अपडेटेड या टेक्नोलॉजिकली सही चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। सो so अल्टीमेटली आपका क्या आ जाएगा? D, right. so कि ये जो हमारे सारे ही थे, test, ये आप अच्छे से क्लियर हो गए एंड ये जो पूरा मॉक टेस्ट सिर्फ यही नहीं इसके पहले भी हमने नाउ इस वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और मैं आप लोगों को देना चाहूंगी दैट इज आप लोग ये जो सारे वीडियोज है इन्हें आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से एक्सेस कर सकते हैं बहुत ईजिली कैसे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं उसका सिंपल सा प्रोसेस है आपको गूगल ओपन करना है वहां पर आपको सर्च करना है डब्ल्यू तो जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी यहाँ पर आप से स्क्रोल करोगे स्क्रोल करोगे तो आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड पर वेरियस ऑप्शन दिखेंगे ठीक है वेरियस कोर्स

मॉक टेस्ट पढ़ना है जो भी वेरियस वीडियो देखना है जो भी टॉपिक पढ़ना है उस पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं उसके वॉच नाउ पर तो जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगा ठीक है अपार्ट फ्रॉम दिस सी यू ई टी के अलावा मतलब कि ये जो है आप सी यू टी की जो है वेब प्ले लिस्ट पर गए तो वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट वगैरह मिलेंगे इसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है ठीक है अब वो भी हमें पता है कि इलेवन ट्वेल्थ में जो हमने पढ़ा वही सेम सिलेबस से यहाँ पर है तो अगर आपको इसके अलावा कोई और टॉपिक पढ़ना है तो जो हमारा वहां पर सेक्शन था क्लास इलेवन के टू ट्वेल्व इंग्लिश जो है इसमें जाके आपको जो है वहां पर इकोनॉमिक्स की प्ले लिस्ट मिल जाएंगी वहां से जाके आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है उसे उस पर जाकर उस पर क्लिक कर वो वीडियो आप प्ले कर सकते हो एंड उस वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हो ठीक है इसी वे में आप सिर्फ यही नहीं कोई भी सब्जेक्ट कोई भी क्लास कोई भी टॉपिक के जो है वीडियोस को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो ऑल्सो स्टूडेंट्स हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स आप लोग उसे भी सब्सक्राइब करें इन वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोज थैंक यू